हेलो दोस्तों स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप लोग इस वीडियो का बहुत बहुत सारे दिनों से इंतजार कर रहे थे एंड इस बार हमने बहुत टाइम लिया इस वीडियो को लाने में एंड डेफिनेटली देर वाज समथिंग कुछ था जिसके कारण इसमें बहुत टाइम लगा लेकिन आज क्योंकि ये वीडियो आ गया है मैं आपको यहाँ पे बता दू ये वीडियो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर ये 2015 इसने लिखा हुआ है क्योंकि अभी पहले 2015 फिर 2016, फिर 2017, फिर 2016 17 18 सारे लाइन से चलने वाले फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे 2015 से तो ईयर के बहुत सारे वर्ड्स एक साथ होंगे आपके सामने आप लोगों को सिर्फ ये वीडियो सुनना नहीं है गाइस क्या करना है आप लोगों को देखिए मैं आपको वेज बता दूंगी सब कुछ करना आपके ऊपर है आप लोगों को क्या करना है आप अपने नोटबुक्स लेके बैठिए और रजिस्टर पेन नोटबुक लेके बैठिए सो so दैट कि आप लोग इंस्टेंटली नोट कर सके राइट दो चीजें हो सकती है या तो आपको बहुत आराम से सिर्फ सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना और आंसर देते जाना एक ही तरीका हो सकता है कि यू हैव टू चेक योर तो आप इस तरीके से करिए कुछ मत लिखिए दूसरा आपको यह हो सकता है कि आपको आ, पढ़ना तो है चेक तो करना ही है बट जो नहीं आता उसको नोट भी करना है तो एक बार आप टेस्ट दे दीजिए दोबारा बहुत क्योंकि अभी तो आप ब्रेक नहीं लगा सकते उसको रोक नहीं सकते तो अभी आप अपने मेरे साथ टेस्ट दे दीजिए और जब दोबारा सुनेंगे तो हर वर्ड का मैं आप लोगों को सनन बताते जाऊंगी जो भी नया वर्ड आएगा उसको आप अपने रजिस्टर में अगर आपने आज का ये वीडियो पढ़ लिया ना आपके 367 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और हर वर्ड में अगर दो न्यू वर्ड भी होते तो जस्ट डबल बताने वाली मैं और हर एक का एटलीस्ट दो तीन दो हर एक के तो कुछ ना कुछ करके आज आप थाउजेंड से ज्यादा वर्ड सीखने वाले हैं

से मैंने पलटा नहीं था पर आप लोगों को दिखाई दे गया है पहला तो चलो कोई बात नहीं चलिए शुरू कर लेते हैं पहला वर्ड हमारा लग्जूरियंट है हमें क्या करना है बताना है क्या करना है बताना है पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा कहीं एंटेनिम नहीं है आज सिर्फ सिन है तो लग्जूरियंट क्या होता है सबसे पहले तो यहाँ देखिए लग्जूरियंट वर्ड है और एक और वर्ड दिया हुआ है लग्जूरियस जो कि दिखाई देने में काफी एक जैसा लगता है तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए लग्जूरियंट क्या होता है नाउन होता है क्या होता है नाउन होता है और लग्जूरियस क्या होता है एडजेक्टिव एडजेक्टिव है 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 ना और ये अगर कोई चीज़ तो कैसी है एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है कैसी है एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है बहुत ही ज्यादा आरामदायक है राइट एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है इजी है आरामदायक है एलिगेंट है एलिगेंट है एलिगेंट है यानी ग्रेसफुल है तो हम उसको लग्जूरियस कह सकते हैं ठीक है दूसरा जो हमारा वर्ड है लश लश क्या होता है अभी हम लोग देख लेंगे लग्जूरियंट है ना जो हमारा वर्ड लग्जूरियंट है उसको देखते हैं लग्जूरियंट है इसका मतलब लश है अब लश है इसका मतलब क्या है रिच है और रिच है इसका मतलब अबेंडेंट है या सुपर अपंट है या प्रोफ्यूज है बहुत सारा है प्रोफ्यूज है यानी बहुत सारा है प्लेंटी ऑफ समथिंग राइट अगर लग्जूरियट है तो उसका अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है, सुपर अबेंडेंट है एक्ट है है, 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 में बहुत ज़्यादा ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ सकते हैं okay? ओके तो लश है रिच है क्योंकि हम रिच बोल रहे हैं तो रिच बोल रहे हैं तो अप्यूलेंट लिख है, तो है, तो है, तो है, तो सकते हैं अपुलेंट हो सकता है अफ्लुएंट हो सकता है राइट तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो हैं मैंने एक साथ लिख दिए ये सब सिनोनिम है लग्जूरियन के लश, लश के तो लग्जूरियन का सिनोनिम क्या हो गया पहले का आंसर होगा बी क्लास यानी कैटेगरी ग्रुप होता है और लवली यानी इफ इज 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 लवली ही ही ब्यूटीफुल इज अट्रैक्टिव ये so and so and and सारे राइट right? तो पहला वर्ड हमने यहाँ पे कर लिया जिसका राइट right आंसर भी है और इसके सारे रिलेटेड हम लोग कर चुके पहला वर्ड करा है और पहला वर्ड में देख लीजिए कितने वर्ड्स आपके सामने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और जो मैंने बोले जैसे मैंने बोला होगा अबेंडेंट

व्हाट इज लग्जूरियस अभी अभी मैंने पढ़ा दिया था आपको लग्जूरियस है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है एथनिक है या फिर सॉरी uh, ग्रेसफुल है एलिगेंट है ये सारे वर्ड लग्जूरियस में हमने पढ़े थे अब हम बताते हैं लैंग्वेज पे लैंग्वेज है लिथार्जिक है स्पिरिटेड है लाइवली है लैंग्वेज बना हुआ है जो वर्ड ये बना हुआ है सिननिम ऑफ लेजी लैंग्वेज क्या होता है लेजी है कोई पर्सन लेजी है तो कैसा है like है ध्यान है ये वर्ड्स लेका डाइसिकल बहुत बार एग्जाम में आ जाता है लैंग्विड है लेका डाइसिकल है लेजी है और यहाँ पर एक और वर्ड याद कर लीजिए लिस्टलेस लिस्टलेस होता है कौन लिस्टलेस होता है एक पर्सन जो कैसा है जिसमें कोई एनर्जी नहीं है कोई स्पिरिट नहीं है कोई विगर नहीं है तो लैंग्वरनेस या अनएनर्जेटिक भी बोल सकते हैं इसको लैंग्वेज से ही बना हुआ है एक वर्ड लैंग्वरनेस लैंग्वेजनेस है अन एनर्जेटिक है अन एनर्जेटिक है लथार्जिक है स्लो है ठीक है ये मैं सब इसी के सुनने में बता रही हूं स्लो है अन एनर्जेटिक है अन एनर्जेटिक है अनएक्साइटेड है

Consumed, fatigued, tired, exhausted, ये सारे वर्ड जो है इसके सिनानिम होते जाएंगे तो सबको करते जाना है साथ में है ना बहुत सारे वर्ड में बताते जाऊंगी नोट करते जाइएगा स्लाइड नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू कर लिया है राइट right आंसर इसका क्या होगा हमें क्या करना synonym, synonym है सुनानिम इसका है डी एंटेन साथ में आएंगे ध्यान रखिएगा इसी के साथ क्वेश्चन टू डन होता है थ्री पे चलते हैं थ्री है डिस्पेर। अगर डिस्पेर आपके सामने आ जाता है या वर्ड आ जाता जाता है है या तो और अगर कोई में में तो में निराशा है उसके अंदर क्या होता है निराशा, right? निराशा है निराशा निराशा मतलब देर इज नो होप नो होप नो होप मतलब नो पॉजिटिविटी नो होप नो पॉजिटिविटी यानी कि नो ऑप्टिमिज्म नो no ऑप्टिमिज्म कोई आशा ही नहीं ऑप्टिमिस्टिक नहीं है पैसेमिस्टेक है तो डिस्पेयर है यानी कि नो होप यानी कि होपलेसनेस या होपलेस ठीक है होपलेस पैसेमिस्ट हाँ अब दूसरा बात है डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस होते हैं तो हम सैड होते हैं लेकिन होपलेसनेस है अलग डिफरेंट सिट, सिचुएशन है ना सैड है यानी अनहैप्पी है पर हो अनहैप्पीनेस का मतलब हमने आशा छोड़ दी ऐसा नहीं है राइट यहाँ पे हम लोग बिल्कुल हार मान के बैठे हैं आशा छोड़ के बैठे डिस्टर्ब डिस्टरप्ट है डिस्रप्ड है यानी कि यानी कि हम लोग कैसे हैं डिस्टर्बड है डिस्टरब कर दिया किसी ने यानी हमें क्या कर दिया डिस्टर्ब कर दिया या फिर हम लोग डिसऑर्डर हो गए डिसअरेंज हो गए कोई चीज बहुत अच्छे से अरेंज नहीं कर पाए डिसऑर्डर डिसअरेंज इसका स्निम होता है राइट right? और लास्ट वर्ड जो है हमारा डिस्करेज अगर आप किसी को डिस्करेज कर देते तो उसको आप क्या कर देते हैं डीमोटिवेट कर देते हैं डीमोटिवेट करने का मतलब निरुत्साहित इच्छा को को एनर्जी आपने क्या कर 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 दिया 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 है 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 खत्म डिसवेड उसको कुछ अच्छा करने से आपने उसको क्या कर दिया है रोक दिया है प्रिवेंट कर दिया है रेस्ट्रेन कर दिया है तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम होते जाएंगे देखिए मैं कह रही हूँ बार बार बहुत सारे वर्ड्स आते जाएंगे नोट करना है सबको और सीखते भी जाना तो इतने

मेलेडी क्या होता है मेलेडी होता है होता 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 है sickness. Sickness होता है है? यानी बीमारी, हो हो गया, illness हो गया. अब आपको यहाँ पे नहीं नहीं नहीं। What is melody? क्या मेले मेलोडियस ट्यून होती है कुछ अच्छा लगने वाला मेलेडी सा soothing सा, ये होता है मेलेडी राइट right? अच्छा सा इजी सा कंफर्टेबल सा या फिर जो सुनने में अच्छा लगे वो मेलेडी होता है पैरडी मिक्स सॉन्ग्स के मिक्सचर्स को पैरडी कहते हैं डिजीज यानी क्या होता है डिजीज यानी इलनेस होता है डिजीज यानी सिकनेस होता है डिजीज यानी और भी हो सकता है एलमेंट हो सकता है राइट एलमेंट हो सकता है इल फीलिंग नहीं इल फीलिंग तो बुरा हो जाएगा ना हाँ इल फीलिंग तो कई बार मेलेडी को कई बार अलग सेंस में बता रही हूं मैं कई बार मेलेडी इज कंप्लेन ऑल्सो है ना आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कंप्लेनिंग भी हो सकता है तो कंप्लेन भी और लेडी यू नो लेडी इज विमेन लेडी इज

या इट इट डिड नॉट वर्क वेल बिकॉज इट वॉज अ डेजल्ट्री आइडिया मतलब क्या हुआ इसका डेजल्ट्री मतलब आपने कुछ स्टार्ट तो कर लिया बट यू आर लेकिंग अ प्लान आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था एक्शन प्लान ऑफ एक्शन नहीं था आइडिया नहीं था अच्छा कंसेप्ट उसका आपके पास नहीं था तो दैट इज डेजल्ट्री ओके डेजल्ट्री हाँ यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए ट्वेंटी फिफ्टीन है पहले ऐसा होता था जो वर्ड है ही नहीं उसको भी दे दिया था, था फ्रूगल वर्ड होता है पर फ्रंगल कोई वर्ड नहीं होता है इट इज़ नो वर्ड नोट कर लीजिएगा राइट right? रैंडम यानी बिना किसी पर्पस मतलब विदाउट एनी पर्पस विदाउट एनी यू नो आइडिया बहुत प्रॉपर आइडिया नहीं है बहुत प्रॉपर प्लान नहीं है सीक्वेंस नहीं है ऐसे रैंडमली आप किसी से मिलने चले तो विद नो नो यू नो पर्पस तो बिना पर्पस के बिना प्लान के विदाउट एनी प्लान प्रॉपर प्लान बिना प्रॉपर बिना आइडिया बिना पर्पस के अगर हम लोग कोई काम करते तो वो डेजर्ट्री होता है और यहाँ पे आप लोगों को सजा में इसका समझ में आ चुका है फॉरसेक करना क्या होता है किसी को लीव करना किसी को अबेंडन करना किसी को छोड़ देना डेजर्ट कर देना राइट डेजर्ट डी ई एस ई आर टी होता है और डी ई डबल एस ई आर टी होता है डिजर्ट डिजर्ट राइट ध्यान रखना तो ये हो गया लीव अबेंडन डिजर्ट डेजर्ट और क्विट राइट ये हो गया हमारा फॉरसेक हो uh, हो गया, हो गया, रैंडम अब लास्ट बचता है डिमिनिश डिमिनिश आपको बहुत अच्छे से आता है डिमिनिश क्या होता है डिक्रीज डिक्रीज होता है डिमिनिश और क्या होता है रिड्यूस होता है और क्या होता है ड्रिंडल होता है अपने वर्ड्स भी लिखने चाहिए आप लोगों को राइट होता होता है, वेन होता है, वेन ये सारे वर्ड मतलब क्या धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके खत्म कर देना डिमिनिश होता है धीरे धीरे करके खत्म कर देना तो आई होप आप लोगों को ये वर्ड आ गए होंगे डिजाल्ट्री का राइट आंसर क्या होगा रेंडम फाइव का राइट आंसर है डी इसी के साथ स्क्रीन ले लीजिए सिक्स पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इज जेलिस Jealous है अगर कोई पर्सन तो क्या वो ग्रीडी है या लस्ट है या एनवियस है या प्राउड है यहाँ पे आप लोगों को देखो वैसे ये वर्ड्स आते होंगे आप सभी को ये जो हमारा वर्ड प्राउड है प्राउड है कोई पर्सन तो कैसा है प्राउड है यानी कि हॉटी है और एरोगेंट है है ना दो वर्ड्स काफी है ये तो बहुत कॉमन वर्ड है हॉटी है एरोगेंट है तो वो प्राउड है राइट right? अगर वो एनवीएस है तो है यानी दूसरे से दूसरे की किसी चीज से वो जलता है तो यहाँ तो आएगा ग्रीडी है यानी नीडी है या फिर वॉन्टन है wanton है उसको काफी आवश्यकता है किसी चीज की बहुत ज्यादा ही डिजायरस है राइट लस्टफुल ग्रीडी ऑलमोस्ट सेम होता है फुल यानी किसी चीज के लिए भयंकर आपकी इच्छा होना ज अ लस्ट द एनर्जी भी हो सकता है तो आप अट्रा आप बहुत ज्यादा चाहते हैं किसी चीज को डिजायर करते हो तो दैट इज लस्ट इज ग्रीट दैट इज लस्ट इज डिजायर तो ये सारे वर्ड आपस में सुनाने में जेलस का राइट right आंसर क्या हो जाएगा एनवियस ही हो जाएगा वैसे जेलस और एनवियस भी आपस में अलग अलग होते हैं पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है राइट सिक्स के साथ हो गया हमारा आप सेवन पे चलते हैं सेवन में लिखा हुआ है क्वेस्ट वट इज क्वेस्ट In quest of something. स्वामी विवेकानंद के लिए हमेशा ये लाइन आती है कि ही वेंट इन क्वेस्ट ऑफ समथिंग कुछ पाना चाहते तो कुछ ढूंढना चाहते तो फाइंड करना सर्च करना पाना क्वेस्ट होता है सर्च हो गया टेस्ट ट्रायल ट्रायल एनि ट्राई करना ट्राई कर करके कोई चीज़ देखना दैट इज ट्रायल तो ट्रायल हो गया टेस्ट हो गया डिसीजन बहुत आराम से करने वाला है इसमें कुछ बताना नहीं है डिलीजेंट अगर कोई पर्सन डिलीजेंट है तो कैसा है ये बताइए डिलीजेंट है तो कैसा है मेटिक्युलस है केयरफुल है राइट मेटिक्युलस है केयरफुल है और क्या हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसके इंडस्ट्रियज है बिल्कुल सही इंडस्ट्रियस इसका फास्ट सिनोनिम हो जाएगा ठीक है डिलीजेंट है अगर कोई पर्सन तो वो कैसा है मेटिक्युलस है और कैसा है वो बहुत ज्यादा केयरफुल है केयरफुल है अवेयर है अलर्ट है अलर्ट है ऑन है और कैसा है Scrupulous है राइट सेगैशियस वर्ड यहाँ पे आएगा ठीक है इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंट तो वाइज है ब्रिलियंट है एक्सलेंट है मॉडेस्ट है तो मीक है फेयरफुल है है ना डिफिडेंट है ये इंटेलिजेंट का ये क्या होता है डिफिडेंट है तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है ये होता है मॉडस्ट Mod चाय कौन होता है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो डिफिडेंट लिख रही हूँ मैं यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा वर्ड्स काफी आएंगे एनर्जेटिक है तो क्या है एनर्जेटिक है एक्साइटेड है फुल ऑफ एनर्जी है जीलेस है बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी है तो दैट इज एनर्जेटिक ठीक है यानी वाइब्रेंट है वाइब्रेंट है और अलाइव है और हैपनिंग है ये

पार्टनर है वो आपका कंपेनियन है राइट आंसर ढूंढते चाहिए आप लोगों को आंसर्स भी आते जाने चाहिए राइट पार्टनर है आपका और अगर कॉन्वे है तो कॉन्वे क्या होता है ग्रुप या फिर फ्लीट फ्लीट ग्रुप को ही कहा जाता है या कैरेविन Caravan होता है कैरेविन भी ग्रुप को ही बोला जाता है ग्रुप में किए जाने वाले काम को कौन वैं? कहते हैं प्रोटेक्ट यानी क्या होता है प्रोटेक्ट देना सेफ सेव करना किसी को प्रोटेक्ट करना किसी को सेव करना किसी को गार्ड करना राइट right? गार्ड करना किसी को इम्यून करना ये सारा सेव का सुनने होता है राइट और पार्टनर का राइट right आंसर क्या हो जाएगा पार्टनर है कैंपियन कैंपेनियन uh, है मेट है है ना फ्रेंड है राइट right? ये सारे वर्ड्स इसके सुनाली हो जाएंगे राइट तो यहाँ पे हमारा जो दोनों वर्ड है कॉन्सर्ट और कॉन्वाय दोनों बाकी तो बहुत सिंपल है चलिए इसी के साथ नाइन का राइट right आंसर क्या हो गया पार्टनर यहाँ पे दिया हुआ है तो नाइन डी टेन पे हम लोग चलते हैं टेन इज रेवेन्यू रेवेन्यू क्या होता है ये हमें यहाँ पर देख लेना अब देखो राइज यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते जैसे रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्य क्या होता है रेवेन्यू आता है इनकम क्या होता है रेवेन्यू इनकम होता है क्या रेवेन्यू जनरेट क्या हुई इनकम क्या हुई आपके टेकिंग्स क्या है आपके गेंस क्या है गेंस आई एन एस एस लगा दिया गेंस यानी आपने क्या अचीव किया एक तो होता है गेन वर्ब wow, है ना यानी आपने क्या अचीव किया आपने क्या प्राप्त किया वो होता है गेन और आपकी अर्निंग्स क्या रही आपके इनकम्स क्या रहे उसके लिए ये हो जाता है एस लग जाता है राइट अर्निंग्स इनकम गेन्स ठीक है टेकिंग्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग तो यहां पे क्या है अच्छा रिटर्न रिटर्न करना होता है कुछ देना किसी को डिजास्टर क्या होता है डिजास्टर होता है ज, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया डिटीरियोरेट कर दिया डिजास्टर क्या होता है कैलामिटी होता है जिसने सब कुछ खत्म करना और रीगेन यानी फिर से प्राप्त करना ये वर्व है ये स, ये वर्व है तो ये इससे कहीं मैच नहीं कर रहा राइट आंसर हमारा क्या होगा बी इनकम टेन बी इनकम राइट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा इलेवन पे इलेवन इज जेन्युइन वट इज जेन्यून जेन्यून मतलब रियल होता है जेन्यून तो बहुत आसान है जेन्यून मतलब रियल होता है रियल मतलब ऑथेंटिक होता है ऑथेंटिक यानी ट्रू होता है ट्रू यानी एग्जैक्ट होता है राइट right? यहाँ पे देख लेते हैं कंसर्न लिखा हुआ है सबसे पहले कंसर्न है तो आप किसी चीज से रिलेटेड है कंसर्न हो गया रिलेटेड हो गया किसी चीज से संबंधित लोकल रिलेटेड टू लोकल एरिया यानी आसपास वाला ही क्लेवर है कोई पर्सन तो कैसा है है क्राफ्टी है art, है है क्राफ्टी या आर्टफुल है चतुर चतुर होते हैं ना कई लोग जो क्या करते हैं आर्टफुल होते हैं कटनिंग होते हैं जो अपना स्वार्थ निकाल लेते हैं कहीं से और राइट right आंसर क्या होगा ये रियल है ऑथेंटिक है वास्तविक है ट्रू है ये सारे वर्ड जेन्यून हो जाएगा अच्छा जेन्युन यहाँ पे लिखा हुआ है राइट right. तो राइट right आंसर हमारा ऑथेंटिक हो गया इलेवन डी अब चलते हैं अगले वाले पे ट्वेल्व अक्यूरेसी क्या होता है एक्यूरेट अगर कोई चीज एक्यूरेट है तो उसका मतलब क्या हो गया एक्यूरेट है यानी एग्जैक्ट है एग्जैक्ट है यानी प्रिसाइज है एग्जैक्ट है प्रिसाइज है यानी कि जितना चाहिए उतना ही देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है क्लेवरनेस अभी आया था पीछे क्लेवर और उसी का क्लेवरनेस क्लेवरनेस कनिंगनेस हो गया क्राफ्टनेस हो गया या आर्टिफैक्ट्स हो गया सॉरी सॉरी आर्टिफैक्ट्स नहीं आर्टफुलनेस है ना अटैचमेंट है अटैचमेंट है यानी बिलोंगिंग हो गया किसी का किसी से बिलोंगिंग हो गया या अटैचमेंट है तो आप किसी से बिल्कुल जुड़ाव हो गया आपका उससे प्रिसीजन प्रिसीजन किससे बना हुआ है

कई बार आ चुका है ये वर्ड अभी हमें आगे भी मिलेगा राइट तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला वर्ड यहाँ पे स्क्राउंज है हायर है प्लेज है स्पॉन्ज है दो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये हमें परेशान कर सकते हैं इसमें है ऐसा जैसे देखो स्क्राउज को देख लो स्क्राउज यानी क्या होता है बेग करना करना यानी क्या होता है किसी से मांगना बैग करना अपील करना एक तो ये हो गया और बैग करा अपील करना यानी कि किसी से कुछ ले लिया आपने मांग लिया तो दैट इज बोरो करना मांग लेना आज आज के लिए मांग लेना यही होता है ठीक है है भी यही होता ओके दूसरी बात यहां पे है एक वर्ड स्क्राउंज और एक वर्ड है स्पॉन्ज तो स्क्राउंज और स्पोन्ज जो है ये दोनों आपस में सुनने में इन दोनों का मीनिंग है यहां पे ठीक है हायर करना क्या होता है हायर करना कोई चीज ले लेना किराए पे है ना पैसे दे के ले लेना किराए ले लेना प्लेज अब प्लेज क्या होता है प्लेज होता है पॉन प्लेज क्या होता है पॉन होता है यानी कि डिपॉजिट करवाना डिपॉजिट यानी जमा करवाना इसमें क्या है किसी से लेना बैग करना लेना स्क्राउच करना लेना बोरो करना लेना स्पॉन्ज करना लेना राइट ठीक है

स्पॉन्ज मैंने बता दिया था स्क्राउंज और स्पॉन्ज जो है वो सुनाने में जिसका मतलब होता है लेना और जो हमारा वर्ड है पॉन पॉन मतलब डिपॉजिट के लिए मनी देना राइट right? तो ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे अब चलते हैं अगले वाले पर अगला हमारा है फोर्टीन फोर्टीन इज माइस्ट्रो अगर हम लोग माइस्ट्रो है हम लोग नहीं अगर कोई पर्सन माइस्ट्रो है तो वो क्या है जीनियस है क्या है जीनियस है क्या है जीनियस क्या है जीनियस है और जीनियस है तो क्या है एक्सपर्ट है एक्सपर्ट है तो क्या है वर्च्यूसो है एक्सपर्ट है वर्च्यूसो है माइस्ट्रो है इसका मतलब क्या है वो ये सब है तो सही पर इसका मतलब क्या है इसका मतलब किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना और माइस्ट्रो ज़्यादातर म्यूजिक माइस्ट्रो कहा जाता है ना म्यूजिक में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनको कहा जाता है म्यूजिकल माइस्ट्रो तो जीनियस होना अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना अपने फील्ड में मास्टर होना ये सारे वर्ड्स आते जाएंगे जूनियर्स है एक्सपर्ट है वर्चुसो है मास्टर है या फिर कई लोग निंजा बोलते हैं याद है आप लोगों को निंजा आता था आ, किसी न्यूज उस पर पे, पे भी हो सकता है तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए जीनियस हो गए इसके सरानी हो गए अब हम आते हैं ऑप्शन पे ऑप्शन क्या है एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्या होता है एम्प्लॉय है यानी कोई स्क्रूटनी uh, uh, है ठीक है या नया नया कोई अपॉइंट हुआ है तो अपॉइंट ही है उसको बोला जाता है राइट right? और नोवाइस no जीनियस इसका में यहाँ पे आ गया तो right answer तो D गया तो तो राइट आंसर डी हो क्या होता है नोवाइस इन एक्सपीरियंस जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जो बिल्कुल क्या है एकदम नया नया है नया नया है न्यू टू अ ब्लॉग न्यू फाइट है नया नया है यानी क्या है न्यू फाइट है न्यू फाइट है इसका मतलब क्या हो गया सॉरी न्यू फाइट है यानी बिगिनर है है अभी उसने शुरू ही किया है किसी जॉब में कोई नया नया आता है ना आप पहली बार जब जॉब पे जाएंगे तो आप क्या होंगे

पे खत्म होता है नेक्स्ट पे चलते हैं 15 पे 15 पे हमारा है फीवल अगर कोई पर्सन फीवल है फीवल है इसका मतलब क्या है वो कैसा है वीक है कैसा है वीक है फीवल है यानी वीक है यानी कि कमजोर है राइट फीवल होता है यानी वीक होता है यानी कि यानी कि आ, लीन होता है यानी कि थिन होता है यानी कि कैसा होता है हाँ वीक हो गया यहाँ पे इस मुझे स्मॉल यानी क्या होता है छोटा होता है प्रिटी यानी क्या होता है प्रिटी है अगर तो कोई चीज ब्यूटीफुल है अट्रैक्टिव है चार्मिंग है प्लेफुल है तो नॉटी है नोटोरियस है राइट काफ़ी इजी वर्ड है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है समझाने का अगले वाले में चलते हैं फिफ्टीन का राइट आंसर डी है इसी के साथ चलते हैं सिक्सटीन पे सिक्सटीन पे क्या आ गया है चेस्टाइज ये तो बहुत बहुत अच्छा वर्ड है चेस्टाइज क्या होता है चेस्टाइज का मतलब क्या होता है अगर चेस्टाइज कर रहे हैं हम किसी को तो क्या कर रहे हैं सेंज्योर कर रहे हैं सेंज्योर कर रहे हैं चेस्टाइज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कास्टिगेट कर रहे हैं राइट कास्टिगेट कर रहे हैं कर कर रहे रहे हैं, हैं, इसका मतलब हम उसको कर क्या रहे हैं क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज और criticize का मतलब क्या है? हम उसकी क्या कर रहे हैं आलोचना क्या कर रहे हैं आलोचना क्या कर रहे हैं आलोचना कर रहे हैं राइट अब हमें देखना है इसका सिनोनिम क्या होगा देखो प्रेस करना यानी एडमायर करना एडमायर करना यानी अप्रिशिएट एडमायर करना अपलोड करना appreciate करना, करना, राइट right? ये सब तो क्या है Synonym है, है ना? इसके और इसके और पर पर हमें opposite पर नहीं जाना, पे करना यानी किसी का पीछा करना होता है चेज करना मॉनिटर करना यानी किसी को नोटिस करना ऑब्जर्व हो, करना होता है अपब्रेड इज चेस्टाइज अप्रेड इज सेंड अप्रेड इज रिब्यूक करना रिवॉच हाँ रिव्यूक भी हो जाएगा जब हम रिव्यू बोलते हैं तो हम स्कोल्ड बोल सकते हैं

अपग्रेड हो सकता है नया हो तो अपग्रेड यानी रेप्रीमेंट रिब्यूक रिप्रोच स्कोल्ड करना अडोमिश सॉरी एडमोनिश करना होता है मैंने लिखा नहीं एडमोनिश भी होता है इसका एक तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स हमारे सुनानी हो गए राइट आंसर 16 का ये है ये सब सुनाने है प्रेज एडमायर अप्रिशिएट लॉर्ड करना और क्या होता है यूलोजाइज करना और क्या होता है अपलोड uh, करना ये सारे वर्ड इसके सामने होंगे राइट right. अब अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हो गया राइट आंसर इज ए सेवनटीन पे चलते हैं ये रहा सेवनटीन रिजल्ट रिजल्ट का मतलब क्या होता है परिणाम रिजल्ट आता है यानी कि परिणाम आ जाता है डेटा यानी कैलकुलस कैलकुलस यानी डेटा डेटा यानी क्या होता है यार कितना हुआ है अभी तक कितना अमाउंट जो भी नंबर वो सब डेटा होता है डिसीजन दोबारा से आया हुआ डिसीजन यानी निर्णय राइट कॉज यानी कारण रीजन ओके okay? तो राइट right आंसर क्या है रिजल्ट आउटकम रिजल्ट होता है आउटकम होता है परिणाम होता है तो राइट आंसर सेवनटीन डी बहुत इजी है चलिए अगले वाले पे चलते हैं लाउजी है क्या है लाउजी है अगर लाउजी है कोई चीज या कोई भी पर्सन लाउजी है तो कैसा है बहुत ही ज्यादा खराब है पुअर है या तो पुअर यानी पुअर यानी बैड क्वालिटी का बोल रही है अनप्लेजेंट है पुअर है बैड है अनप्लेजेंट है राइट अभी आपको बताना है इसका राइट right आंसर क्या होगा राइट right? टेरिबल uh, है बहुत ही टेरिबली टेरिबली रॉन्ग डिस्गस्टिंग इसको लिख सकते हैं हम लोग ये डिसगस्टिंग होता है डिस्गस्टिंग होता है मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा होता है डिसगस्टिंग है टेरिबली टेरिबल है अनप्लेजेंट है बैड है और वट इज़ और होता है एम्बियंस वहां का और ही ऐसा होता है कि आप सब पॉजिटिव हो जाते हो और यानी क्या होता है एम्बियंस और एम्बियंस यानी और यानी क्या होता है माहौल राइट right? माहौल एयर हवा वहां की हवा ही ऐसी कई बार एयर भी बोला जाता है इसके राइट right? तो एयर इसका होगा अगर कोई ऑसम है तो कैसा है ऑसम है तो कैसा है बताओ ऑसम है तो ब्यूटीफुल है फैब्यूलिस रिमार्केबल है ऑसम मा, है, है, है तो राइट ऑरी ऑरी का मतलब क्या होता है ऑरी है अगर कोई चीज तो वो क्या है रॉन्ग है रॉन्ग है और इनकरेक्ट है रॉन्ग है इनकरेक्ट है और क्या है अन ट्रू है रॉन्ग है इनकरेक्ट है अन ट्रू है यानी गलत है इसको एक वर्ड और बोला जाता है अमिस राइट right. तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हो गए ये सब एक दूसरे के सुनाने में हम आ गए यहाँ पे लाउजी का एक और सुनाने मैंने यहाँ पे नहीं लिखा दैट इज ऑफुल अब आप लोगों को आंसर मिल गया होगा ऑफुल है यानी समथिंग इज ऑफुल अगर कोई चीज ऑफुल है तो बहुत ही बैड क्वालिटी की वेरी बैड दैट इज अनप्लेजेंट है टेबल है अपैलिंग है अबिस्मिल है यहाँ बहुत सारे वर्ड्स मैंने नहीं लिखे लिख लो आप लोग अबिस्मिल है और अपैलिंग है राइट right. इसलिए लिख रही रहे मैं आप लोग नोट करें है ना आप अपने नोट्स बना ले इसलिए लिख रही हूँ मैं तो यहाँ पे 18 हमारा खत्म हो जाता है ये सारे सुनने मैं चाहूंगी कि आप लिखें कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आए तो जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए गूगल पे बोल के भी आप स्पेलिंग निकाल सकते हैं तो उस तरीके से निकाल लेना लेकिन मेरी ये मेहनत तभी सफल होगी अगर आप इसमें लिखे हुए हर वर्ड को नोट करें राइट और सीखें इनसे राइट चलो अगले वाले पे चलते हैं यहाँ पे आ गया है इन्वेंसिबल इन्वेंसिबल क्या हो सकता है सोचो इन्वेंसिबल वर्ड ऐसा है जिसको हमने बहुत बहुत बार किया है इनविंसिबल को इनविंसिबल का मतलब क्या है जिसको कि आप हरा ही ना सके हरा नहीं सके तो हरा नहीं सके जिसको हम क्या बोल सकते हैं कैसा है अनबीटेबल सॉरी अनबीटेबल यानी अनबीटेबल जिसको हरा नहीं जा सकता इनविंसिबल है जिसको कि आप कभी भी विन नहीं कर सकते जिसको कभी जीत नहीं सकते तो जिसको हरा नहीं सकते जिसको जीत नहीं सकते इनवल्नरेबल वल्नरेबल क्या होता है बहुत कमजोर बहुत कमजोर है यानी आराम से उस उसपे हम विजेता बन सकते हैं उसको जीत सकते हैं और इन है उसको हम लोग जीत नहीं सकते जिसको आप जीत नहीं सकते यानी जीतना होता है तो अनलगाबल है अन लगा दो इसमें अन कौन है यानी इसको हम जीत नहीं सकते असेलेबल असेलेबल एक वर्ड होता है यहाँ पे क्या है अच्छा ये असेलेबल लिखा हुआ है असेलेबल असेलेबल सेलेबल यानी जिसको जीता जा सके और अनअसेलेबल है जिसको आप जीत ना सके राइट अगर हम यहां पे लिख दे और यहां पे लिख दे इल्डिंग अन अनइल्डिंग अन मतलब जिसको जीता ना जा सके इल्डिंग है इल्डिंग है देखो यहाँ पर इल्डिंग है जिसको आराम से हराया जा सकता है जो सरेंडर कर देता है वल्नरेबल जो वीक होता है कमजोर होता है फॉलिएबल जो आराम से फेल हो सके इनफॉलिएबल लिख दो सही हो जाएगा इन फॉलिएबल लिख दो यहाँ पर जिसको जीता ना जा सके जो कभी गलती ना कर सके जो जिसको हरा जो फेल ना हो सके जो फेल ना हो सके इनफॉलिएबल फॉलिएबल जो फेल हो जाए ये सब अपोजिट है ये अपोजिट ये अपोजिट ये अपोजिट ये क्या है इसका सनानिम तो राइट आंसर नाइनटीन का क्या होगा बी होगा मैं फिर से बोलूंगी आप लोगों को यहाँ पे मैंने सबके अपना नेम लिख लें ताकि आप लोग क्या करें आप लोग सारे वर्ड्स को जीत जाएं सबको समझ जाएं और सारे वर्ड्स आपके काम आए फोलिएबल है, है यानी कैसा है जो आराम से जिसको जीता जा सके इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है जो फेल हो सके जो वीक है जिसको आप क्या कर सकते हैं जीत सकते हैं जो कि फ्रेल है फ्रेल अभी एक वर्ड आया था एग्जाम में कौन से एग्जाम में आया था ट्वेंटी है ना अभी हम लोग कर रहे हैं जिसमें तो फ्रेल है यानी right क्या होगा बी होगा 19 हमने कर लिया अब हम लोग चलते हैं ट्वेंटी पे ट्वेंटी में हमारे सामने जो वर्ड आया है वो बहुत ही डिफरेंट आया है क्रूसेड इज क्रूसेड क्रूसेड क्या होता है क्रूसेट होता है you know, अभियान क्रुसेड इज अभियान क्रुसेड है यानी कि अभियान है अभियान है यानी कि कैंपेन है कैंपेन है यानी कि मूवमेंट है कैंपेन चलाते हैं मूवमेंट चलाते हैं ना तो कैंपेन है मूव move, मूवमेंट है ड्राइव होता है इसी को लेकर एक वर्ड ड्राइव चला रहे हैं या मूव चला रहे हैं इट वाज अ ग्रेट मूव अच्छा कैंपेन था मूवमेंट भी बोल सकते हैं मूव भी बोल सकते हैं राइट तो ये हो गया हमारा कैंपेन इसका राइट right आंसर हो गया क्रिटिकल है सीरियस है सीवियर है क्रिटिकल है कैंपेन है ग्रेव भी बोल सकते हैं इसको हम लोग और आप लोग ऐड कर लीजिएगा इसमें कैंपेन में बता चुके हम एंग्री है यानी रेज है, है ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे फ्लैटन फ्लैटन यानी क्या कर देना अगर आपने किसी को फ्लैटन कर दिया जैसे बिल्डिंग को फ्लैटन कर दिया जाता है फ्लैटन कर दिया जाता है या किसी प्लान को फ्लैटन कर दिया जाता है तो उस प्लान को क्या कर दिया जाता है डिस्ट्रॉय और अगर आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं तो आप उसको क्या कर देते हैं आर यू आई एन कर देते हैं एस पी ओ आई एल कर देते हैं यानी रूइन कर देते हैं स्पॉइल कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं बर्बाद कर देते हैं तो फ्लैटन करना यानी बर्बाद करना होता है और ये इसके सारे में राइट यहां पे हमने ट्वेंटी किए हैं इस और बिल्कुल जल्दी में मत रहिएगा ठीक है जल्दी में इसने नहीं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं टाइम लगेगा इस सेशन में तो बिल्कुल अपना कमर कस के एकदम तैयार रहिए चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं ट्वेंटी हुए अभी तो यहाँ पे थर्टी थ्री वाले में राइट तो काफी टाइम लगने वाला वोकेशन अगर कोई चीज आ, अगर कोई चीज आपका वोकेशन है वोकेशन है वोकेशन है, वोकेशन है, वोकेशन है तो क्या है आपका हॉबी है वोकेशन यानी क्या होता है हॉबी होता है और हॉबी होता है यानी कि आप उसको अपने पर्पस के लिए काम करता है वोकेशन है यानी सॉरी हाँ वोकेशन है यानी पर्पस है पर्पस है यानी कि आप उसको आपका वो जॉब है यानी वो आपका क्या है जॉब का सिनोनिम क्या होता है ऑक्यूपेशन क्या होता है ऑक्यूपेशन वर्च्यू यानी क्वालिटी होती है और यहाँ पे हॉलिडे दिया हुआ है पता है क्यों क्योंकि हॉलिडे का सिनोनिम होता है वेकेशन वेकेशन तो वेकेशन और वोकेशन है ना अंतर पर ये हम जनरली इसको अगर मिस कर दें तो इसलिए हॉलीडे दे दिया कि मिस करो बी आंसर लगाओ और आपका गलत हो तो जाएगा पर हमें ऐसा नहीं करना अलर्ट अवेयर कॉशियस और मेटिक्यूल रहना है छोटी छोटी चीज़ों के लिए राइट चलिए इसी के साथ ट्वेंटी वन खत्म होता है ब्रेकअप करना आता ही है आप लोगों को बेल अच्छे से आता होगा चलो लिम्पिड एक्सपर्ट है इसलिए मैंने ब्रेकअप का यहाँ पे सुनानी में आप लोगों को नहीं बताया अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे लिपिड अगर कोई चीज आपको लिपिड है इसका मतलब क्या है लिपिड है यानी आपको बिल्कुल अच्छे से आता है आपको एकदम क्लियर है अच्छा है और लिपिड ये हो गया क्लियर इट्स क्वाइट लिपिड इट्स क्वाइट क्वालिड ठीक है ल्यूसिड है क्लियर है सिंपल है लेकिन अगर कोई वॉल है जो लिम्पिड है इसका क्या मतलब है वो वॉल कैसी है ग्लासी है कैसी वॉल ग्लासी वॉल वॉलिड वॉल मतलब यहाँ से वहां दिख रहा है सब कुछ इसलिए वो कैसी है ग्लासी है यानी कि कैसी है ट्रांसपेरेंट है कैसी है ट्रांसपेरेंट है ग्लासी है लिपिड है और क्लियर है अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड्स काफी वर्ड्स हैं हर वर्ड को मैं बताऊंगी लेकिन नोट करते जाना राइट सबसे पहले यहाँ पे है लॉप साइडेड लॉप लॉप साइडेड है ना साइड्स लिखे हुए लॉप साइडेड है मतलब कि अन ईवन है अन ईवन है इसके साइड्स कैसे हैं अन ईवन है मतलब कि बराबर नहीं है राइट अन ईवन है यानी अन अनइक्वल भी बोल सकते हैं अन ईवन है अन एकवल सिमेट्रिकल होता है तो समान होता है ना असिमेट्रिकल है असिमेट्रिकल है यानी कि कैसे है असमान है साइड असमान हो असमान को समान है ऐसे लिखेंगे ना देख तो लीजिएगा तो क्या हो गए आपने कोई चीज को अगर आप क्रिपल्ड हो गए तो आप डिसेबल्ड हो गए है ना अगर किसी ने आपके मोबाइल को क्रिपल कर दिया तो उसने क्या कर दिया आपके मोबाइल को डिसेबल कर दिया या स्टॉप कर दिया रोक दिया पैरालाइज कर दिया काम नहीं कर पाएगा वो राइट तो ये सारे वर्ड्स होते हैं क्रिप्पल अब लास्ट एक वर्ड बचा है दैट इज रफल रफल तो आता है हम लोगों को बहुत बार बहुत बार हम लोग कर चुके हैं इसका सन्नाने भूलना मत रफल कर देना यानी क्या होता है रफल यहाँ लिख देती हूँ नीचे ताकि आप लोगों को ध्यान रहे रफल करना यानी मेस कर देना मेस कर देना यानी डिसऑर्डर कर देना डिसऑर्डर है ना डिसऑर्डर है मेस है यानी अनऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज ये सब है, सब सिनोनिम सिनोनिम है right? है राइट मैस है डिसऑर्डर है अनऑर्गेनाइज है रफल्ड है ये सब क्या है आपस में सिनोनिम है राइट right? एक वर्ड होता है जो काफी बार एग्जाम में आता है दैट इज डाइशल्ड यहीं पे लिखूंगी मैं नोट करिएगा इस वर्ड को डायशेबल्ड है डाइशेवल है तो काफी बिखरा हुआ है काफी मैसी है बहुत ही right? करना, 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 लिखा मैंने डिसअरेंज नोट कर लीजिएगा अनऑर्गेनाइज करना डाइशेवल करना, करना, करना और अनटाइडी कर देना कचरा फैला देना दैट इज रफलिंग ओके तो रफल्ड दिया हुआ है ईडी लगा हुआ तो आप इसमें ईडी लगाइडी डिसऑर्डर तरीके से तो राइट हो गए लिंपेड यानी क्लियर होता है लिंपिड यानी क्लियर होता है यहां पे क्लियर दिया हुआ है

सॉरी टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो पीडीएफ पे भी आप लोग ले ले और पीडीएफ का भी लिंक नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक है वहां से भी आप इसको ले सकते हैं चलिए इसी के साथ आते हैं अगले वाले वर्ड पे मर्ज करना मर्ज करना क्या होता है अगर आप मर्ज कर देते हो तो क्या कर देते हैं मिक्स क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं मिला देते हैं चीजों को कॉकटेल करना कॉन्कोर्ड concord, कॉन्कोर्डिनेशन uh, करना तो मीट यानी तो मिलना मिलना होता है एक होता है मिलाना देखो कैसे मर्ज दिए गए ये होता है मिलाना और एक होता है मिलना हिंदी में डिफरेंस है लेकिन इंग्लिश में भी दे दिया और मिक्सचर मिक्सचर क्या होता है यानी मिला हुआ घोल किसी चीज का घोल होता है बैटर होता है दैट इज मिक्सचर मिक्सचर या ऑफ समथिंग मिली हुई चीज़ है। तो दैट इज नॉट ये नाउन है अलग से ये वर्ब्स है सारे और कॉन्टैक्ट यानी कि हमारा किसी से कोई कॉन्टैक्ट है आप किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए काफी ईजी है फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर ट्वेंटी पे चलते हैं गुमे इस वर्ड को क्या बोलते हैं इस वर्ड को बोलते हैं गुमे वॉट इज गुमे गुमे इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ड राइट और बहुत अच्छा वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है राइट पॉजिटिव वर्ड है गुमे क्या होता है गुमे होता है अगर आप खाने के शौकीन हैं आप क्या हैं शौकीन है लेकिन किसके खाने के खाने के शौकीन है तो आपको गुमे कहा जाता है इसका सिनोनिम होता है फूडी क्या होता है फूडी और एक और वर्ड जो एग्जाम में बहुत बहुत बार आता है दैट इज सी ओ डबल एन ओ आई एस स्पेलिंग इसलिए बोल बोल के देख रही हूँ क्योंकि स्पेलिंग भी आ जाती है इसकी क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है इसलिए डबल एस ई यू आर कनाइजर कनाइजर क्या होते हैं जिनको खाने का बहुत शौक होता uh, है और गूमे एक परफेक्शन परफेक्टली कई कंपनीज में जॉब भी होती है कई होटल्स में जो लोग को सिर्फ टेस्ट करके दिखाना होता है कि द फूड इज हाउ द फूड इज तो उसको टेस्ट करना होता है राइट जिसका पैलेट जो होता है वो बहुत डिसर्निंग होता है बहुत टेस्ट अलग अलग वो लोग कर पाते हैं अच्छे तरीके से तो फूड यानी खाने के शौकीन ये ये सब इसका और और एक और जो यहां पे रखा हुआ है, that is gastronomy, gastronomy का है तो जल्दी बताओ जल्दी बताओ अगर कोई फसी है, तो है, है, तो है, है ना तो आपको लगता है यार हाउ पर्सन ही मनाना जिसको मतलब मना खुश करना आप बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं उसको बहुत सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आते ऐसे बॉस कैसे होते हैं ऐसे बॉस बहुत, बहुत ही अजीब होता है कई बार आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है तो फसी है हार्ड टू तो प्लीज है इसका सिनोनिम जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज फास्टीडियस क्या होता है फास्टीडियस होता है देखो अगर बहुत सारे वर्ड्स मैं आज बता रही हूँ हो सकता है कुछ मिक्स हो जाए तो प्लीज माफ कर लीजिएगा राइट और वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल मिक्स ना करूँ अभी तक एक भी मिक्स नहीं किया अगर कोई पसंद फास्टीडियस है फसी है तो कैसा है चूजी है सेलेक्टिव है कैसा है चूजी है सेलेक्टिव है यानी मतलब बहुत चुन चुन के पसंद आता है उसको चीज़ें तो उसको प्लीज करना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए एक और वर्ड यहाँ पे मैं लिखूंगी पंक्चुएशन से जो बना हुआ है पर पंक्चुएशन नहीं इसको मिटाना पड़ेगा नोट जरूर करिएगा आप लोग मैं इसीलिए कहूंगी दोबारा से देखना नोट करने के लिए एक बार आप अपना टेस्ट दे दो आज मेरे साथ सेलेक्टिव पहले मैंने लिखा सेलेक्टिव अब मैं लिख रही हूँ नेक्स्ट वर्ड जैसा कि मैंने बोला ये पंक्चुएशन से बिल्कुल मैच करता है तो इट्स पंक्टीलियस है यानी कि बहुत ज्यादा माइन्यूट ऑब्जर्व करता है हर चीज को देखने वाला होता है आ, आई नहीं लिखा है मैंने शायद ठीक है देख लीजिएगा इसको तो ये सारे वर्ड्स फसी के सुनने में फसी है फास्टीरियस है हार्ड टू प्लीज है बहुत ही परेशान करने वाला पर्सन होता है दैट इज फसी ओके तो अगर आपको ऐसा बॉस मिल जाए अगर आपको ऐसा हेड मिल जाए तो दिस इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू ओके चलो यहाँ पे हो गया हमारा ट्वेंटी वर्ड ये इसके आंसर्स हो गए अब चलते हैं ट्वेंटी

ठीक है और हमें क्या ढूंढना है सनाने ढूंढना है मिस्टेक करना गलती करना एरर करना ठीक है तो एरर जो है हमारा

छोड़ देना कोई चीज को नहीं हासिल करना सरेंडर करना ओके okay. प्रोक्योरिंग भी होता है प्रोक्योर क्या होता है प्रोक्योर होता है अक्वायर प्रोक्योर होता है गेट अक्वायर होता है गेट ऑपटेन ऑप्टेन करना गेट करना प्रा प्राप्त करना राइट right? अब प्राप्त कर लिया आपने ऑपटेन कर लिया आपने सिक्योर हाँ सिक्योर भी हो सकता है इसका सेम देखो सिक्योर है प्रोक्योर है अक्वायर है मिलते जुलते से शब्द है इन सब का मतलब क्या होता है प्राप्त करना प्राप्त करना अचीव करना भी लिख सकते हैं हम इसको राइट right. और रेलिंगश रेनाउंस ये सब क्या है सिनेम में आपस में ओके okay? तो यहाँ पे हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है 27 पे आते फिल्दी ओ oh, सॉरी फिल्दी है कोई चीज फिल्दी है ये जो वर्ड है देखो फिल्दी ये आया हुआ है काफी बार एग्जाम में फिल्दी है तो मतलब क्या होता है अगर कोई चीज फिल्दी है तो कैसी है डर्टी है कैसी है डर्टी है तो अगर हमें अपोजिट ढूंढना होता तो हम इस पे जाते पर हमें ये नहीं ढूंढना है हमें क्या ढूंढना है सिनोनिम ओके सो ये रहा डर्टी अगर कोई चीज फिलदी है तो डर्टी है डर्टी है तो कैसी है अनक्लीन है ऑब्वियस है ये तो डर्टी है यानी अनक्लीन है यानी स्पॉटी है दाग ही दाग लगे हुए हैं राइट अनक्लीन है स्पॉटी right? है, है और अगर गलती हो गई गलत हो गया गंदा हो गया तो उसको हम लोग कुछ देखने में जो अच्छा ना लगे वो फाउल होता है तो फाउल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग कीचड़ से भरा हुआ कई बार वर्ड आता है मडी मडी भी इसके स्नानी के लिए यूज होता है इसलिए मैंने इसको करवा दिया है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लीन हो गया डर्टी हो गया स्पॉटलेस स्पॉटलेस इसी का सुनानी में तो स्पॉटलेस हो गया यानी दाग रहित कोई भी दाग नहीं यहाँ पे स्पॉटी वर्ड आया डर्टी का सुनाने में स्पॉटलेस है क्लीन है इमैक्युलेट है इमैक्युलेट है यानी क्लीन है ठीक है क्लीन है यानी इमैक्युलेट है स्पॉटलेस है स्पेकलेस है स्पेक यानी भी दाग होता है स्पेकलेस है स्पॉटलेस है कोई दाग नहीं है स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील आता है ना स्टेनलेस यानी दाग रहित स्टेनलेस क्यों बोलते हैं स्टील को दाग रहित है और दाग रहित है यानी कि स्टेनलेस है अनस्टेनड भी बोलते हैं इसको काफी है इतने वर्ड्स और आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा ओके okay. तो चलो यहाँ पे फिल्दी इमेकुलेट दो वर्ड थे जो हमने जान लिए तो फिल्दी का हमें राइट आंसर बी करना है बाकी सब अपोजिट है 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 तो यहां पे क्लीन है, है, इनके भी हमने सरानिम कर लिए और ये सारे फिल्दी के सरानीम है हर एक सरानियम आपको आना चाहिए इसलिए आप लोगों को नोट करिएगा इसको दोबारा से जरूर देखिएगा यहाँ पे हम लोग ट्वेंटी कर चुके ट्वेंटी पे चलते ट्वेंटी एट पे क्या है अनॉय अगर आप किसी को अनॉय कर देते हैं तो आप क्या कर देते हैं कर कर देते हैं, angry कर देते हैं, हैं, यानी आपने उसको कर 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 दिया, upset कर दिया, upset कर दिया, angry कर दिया, है ना और रिफ्यूज उनको देख लीजिए सबसे पहले रिफ्यूज क्या होता है मना कर देना रिफ्यूज़ क्या होता है मना कर देना डिक्लाइन कर दिया यानी थोड़ा सा पोलाइटली कर दिया मना डिक्लाइन डिनाई ये सब इसके वर्ड्स हो सकते हैं रिफ्यूज कर देना ठीक है Often or lazy. Lazy हम लोग सबसे पहले करे थे लेक like होता है लेजी स्लीपी होता है लेजी वर्ड्स बताते जाइए इस वर्ड्स का रिपिटेशन ही हमारी तैयारी है ये देखो lazy आ गया लेकाडाइसिकल like आ गया आ गया टायर्ड आ गया या केयरलेस आ गया रेकलेस आ गया ये सब इसके सेना में होते हैं राइट रिवोक है सबसे पहला वर्ड है रिवोक रिवोक करना क्या होता है रिवोक करना रिपील करना होता है वॉट इज रिपील रिवोक कर दिया तो आपने रिपील कर दिया रिवील कर दिया तो आपने अब्रोगेट कर दिया राइट तो एब्रोगेट करना रिपील के क्या होता है एक तो क्राइम करने वाले को ऑफेंसिव कहा जाता है सॉरी ऑफेंड यानी क्राइम करना होता है राइट ऑफेंड यानी क्राइम करना अ क्राइम इट इज क्वाइट ऑफेंसिव मतलब ये तो क्रिमिनल टाइप था ये कैसे कर दिया कमेटा, क्राइम हो गया या फिर ब्रेक लॉ लॉ कोई लौ तोड़ दिया ठीक है ये सारे हो रिवोक में हमने पढ़ लिया अब है ऑफेंड का एक और वर्ड है ना अब यहां पे सुनने तो नजर ही नहीं आया हमने सारे वर्ड पढ़ लिए तो देखिए भाई दूसरा भी मीनिंग होता है ऑफेंड का ऑफेंड करना किसी को हर्ट करना ठीक है किसी के इमोशन किसी को इमोशनल हर्ट कर देना किसी को अनॉय कर देना किसी को डिसप्लीज कर देना किसी को अनहैप्पी कर देना डिसप्लीज यानी अनहैप्पी हो गया सुनानिम है एक ही बात है दोनों को नहीं लिखू ठीक है अनॉय है एंगर कर दिया एंगर कर दिया अपसेट कर दिया एग्जैसपरेट कर दिया ठीक है एग्जेसपरेट भी इसी का सनानिम होता है इसलिए बता रही हूँ आगे आने वाले वर्ड्स हैं और शायद पीछे कहीं आ भी चुके हैं वर्ड्स तो नोट करते जाइएगा ये रिवोक का नहीं है रिवोक का इधर लिखा हुआ है

फॉर्मर होता है पहले वाला इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है लेटर बाद वाला राइट right? नेक्स्ट होता है ना आफ्टर यानी बाद में अर्लिएस्ट अर्लिएस्ट यानी पहले सबसे पहले सबसे पहले सीक्वेंस है अर्लिएस्ट लेटेस्ट लेटेस्ट यानी सबसे बाद में ठीक है तो ये दोनों तो आपस में ऑपोजिट हो गए आफ्टर यानी बाद में ये बिफोर का ऑपोजिट है फॉर्मर का ऑपोजिट लेटर होता है जिसका मीनिंग होता है आ, बाद वाला राइट right?

मेस हो गया केटिक हो गया कंफ्यूजन हो गया केस हो गया राइट right? ये सब क्या है सिनेम में सिनेम में क्या हो गया डिसऑर्डर हो गया डिसअरेंजमेंट हो गया ये सब क्या होते हैं ये सब ही होते हैं मेहम तो मेहम आता है एक्साइटमेंट आता है कि नहीं आता है बताओ एक्साइटमेंट का मतलब होता है जुबिलिएशन जुबिलिएशन और एक्साइटमेंट दोनों का मतलब क्या होता है एक्साइटमेंट मतलब खूब ज्यादा हैप्पीनेस खूब ज्यादा एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा हैप्पी है बहुत ज्यादा यू नो जॉयस से भरे हुए हैं तो आप जॉयस हैं कैसे हैं जॉयस हैं और हमें क्या बढ़ना नाउन बढ़ना है तो जॉयस में नेस लगा तो जॉयसनेस हैप्पीनेस जॉलीनेस मैरीमेंट ये सब इसके सरानी में हो जाएंगे ठीक है ये सब सिनोनिम हो जाएंगे हैवोक हमने कर लिया हैवोक का सिनोनिम है हैवोक है यहाँ पे अच्छा इसका सिनोनिम ही पूछा था ये राइट आंसर हो गया डिफीट यानी क्या होता है किसी को हरा देना ओके तो थर्टी यहाँ पे खत्म होता है और थर्टी का राइट आंसर गाइस सी है ध्यान रखिएगा और हाँ मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ हर एक सिनोनिम को बता रही हूँ तो ट्राई करिए हर सिनोनिम को आप लोग जान पाए राइट चलिए 31, 31 पे आ गए हैं हैं हम लो 32 words हैं 2015 हम लोग में यानी को अभी खत्म करने वाले स्टार्ट करेंगे ठीक है है मतलब क्या होता रिलाय सॉरी लिखा हुआ क्या है रिलाय लिखा हुआ रिलाय क्या होता है किसी पे भरोसा करना रिलाय करना ट्रस्ट करना विश्वास करना ओके okay? तो ये हमारा ट्रस्ट इसका साइंस हो जाएगा लीन तो थिन है वीक है ये इसके सुनाने हो जाएंगे फीवल है, है ये इसके सुनानी में हो जाएंगे बेटरे करना किसी को चीट करना फ्रॉड करना डिफ्रॉड करना ये सब इसके सुनने में हो जाएंगे स्विंडल uh, करना और लास्ट वर्ड हमारा है डिपेंड अगर हम डिपेंड होते हैं किसी पे तो किसी पे आश्रित होते हैं किसी पर किसी पर निर्भर करते हैं डिपेंड करना तो राइट आंसर ट्रस्ट होगा थर्टी वन बी थर्टी टू पे चलते हैं आज का मतलब ट्वेंटी फिफ्टीन का लास्ट वर्ड है फिर हम लोग ट्वेंटी सिक्सटीन स्टार्ट करेंगे ठीक है तो सेंसेशन वर्ड है हमारे सामने सेंसेशन हो सकता है हमें ना आए क्योंकि वैसे हमने इसके सलाह बहुत बहुत बार किए ठीक है थीके? पर आएंगे नहीं क्यों क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है स्टार्ट करना यानी क्या होता है स्टार्ट करना यानी बिगिन करना इनिशिएट करना ठीक है, बिगिन करना, इनिशिएट करना होता है स्टार्ट करना होता है और पॉज करना यानी क्या होता है पॉज करना यानी रोक देना किसी काम को राइट right? और रिज्यूम करना यानी फिर से शुरू करना रीस्टार्ट, रीस्टार्ट रिज्यूम यानी रीस्टार्ट, तो देखो एक वर्ड कह रहा है स्टार्ट करना एक वर्ड कह रहा है खत्म करना एक वर्ड कह रहा है रोकना और एक वर्ड कह रहा है है रिज्यूम करना अब कंफ्यूज मत हो जाना सेसेशन का हमें सिनोनिम ढूंढना कर दिया अगर आपने तो कंप्लीटली किसी चीज को स्टॉप कर दिया किसी चीज को आपने कैंसिल कर दिया आपने उसको टर्मिनेट कर दिया ठीक है टर्मिनेट कर दिया अभी नहीं करेंगे हम इसको ठीक है स्टॉप कर दिया कैंसिल कर दिया टर्मिनेट कर दिया तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा क्योंकि हमें ढूंढना है अगर हम एंड कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कर 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 रहे हैं, right? हमने उसको क्या कर दिया? दिया दिया, दिया। दिया है। है। यानी यानी करना अभी के लिए फिर से स्टार्ट करेंगे that is, okay? और सजेशन यानी स्टॉप हॉल्ट ठीक है वो सारे वर्ड्स तो राइट आंसर हमारा बी होगा यहाँ पर स्टार्ट यानी इनिशिएट करना बिगिन करना और मुझे आ नहीं रहा आप लोग ऐड करिए स्टार्ट करना यानी शुरू करना होता है शुरू करना यानी बिगिन करना यानि, करना यानी यानी स्टार्ट और वर्ड्स मुझे मिल नहीं रहे हाँ पे आप ऐड करिएगा स्टार्ट में इसी के साथ थर्टी टू जो है हमारा वो खत्म होता है अब हम लोग इसको बंद करते हैं स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट वाला दैट इज थर्टी थ्री ट्वेंटीन से स्टार्ट करेंगे है ना जाना नहीं है कोई ब्रेक नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ पर शुरू करते हैं नेक्स्ट को आइए 2016 स्टार्ट कर रहे हैं गाइस अब 2015 के 32 क्वेश्चंस कर रहे हैं अब 2016 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ड देखते हैं 2016 का क्या है डिग्निटी है गाइस एक बार फिर से मैं बहुत सारे लोग अभी नए आए होंगे उन सभी को मैं बता दूं यहां पे कि हम लोग कर रहे हैं 2015 2016 2017 2018 के बैक टू बैक सिनोनिम्स वर्ड्स जिनका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था तो वर्ड्स हम लोग लेकर आ गए हैं और आज के सेशन में हम लोग बिल्कुल कंटिन्यूसली इसे करने वाले हैं जब तक खत्म नहीं होते तब तक आपको भी मेरे साथ बने रहना है हर वर्ड के तो लो तो लो लोगों के लिए नया है आई एम श्योर होगा कुछ ना कुछ नया आप क्वेश्चन नंबर को नोट कर लीजिए या उसका वर्ड नंबर नोट कर लीजिए लाइक थर्टी थ्री न्यू फॉर मी तो थर्टी थ्री बी आपको देखना है दोबारा से इस तरीके से आपका ना सिलेबस जो है वो रिवाइंड

तो उसी कंटिन्यूएशन में हम कर रहे हैं आप लोगों को क्या करना है इसको आज देखना है मेरे साथ पूरा टेस्ट देकर नेक्स्ट टाइम जब आप देंगे इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसमें जो मतलब म्यूट करके आप मेरी आवाज ना सुने आप सिर्फ अपना टेस्ट दें या फिर आप दोबारा इसको रिवाइज कर ले हर वर्ड को देख लें याद कर ले समझ लें और जब आप थर्ड टाइम करें तो पूरा टेस्ट करें हर सुनानिम आपको आना चाहिए दिस वे यू आर गोइंग टू पेपर और यहाँ पे मैं आपको बता दू अब कोई डेट चेंज नहीं होंगे तो बने रहिए अपने पेपर के साथ तैयारी में एकदम जुट जाइए बिल्कुल अच्छे से ताकि आपका पेपर आपका हो और सच में वो आपका ही हो और आप उस कट ऑफ वाले लिस्ट में बस शामिल हो और कुछ नहीं करना है आपको राइट चलिए शुरू करते हैं सेशन अच्छा लगेगा इस तो लाइक जरूर से करेगा वर्ड हमारे सामने आ गया है डिग्निटी वॉट इज डिग्निटी डिग्निटी होता है रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होता है और अगर हम इसको नाउन माने नाउन भी मान सकते हैं तो क्योंकि सारे वर्ड नाउन है तो डिग्निटी रिस्पेक्टेबिलिटी होता है रिस्पेक्टेबिलिटी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर डिग्निटी है रिस्पेक्टेबिलिटी रिस्पेक्टेबिलिटी हो गया और क्या हो गया इंटेग्रिटी हो गया है ना अभी मैं लिखते जाऊँगी आप लोग भी ऐड करते जाइए इंटेग्रिटी हो गया रिस्पेक्टेबिलिटी हो गया और यहाँ पे आप देखते हैं कुछ वर्ड जो इससे रिलेटेड डीसेंसी लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है इमोरल लिखा हुआ है एक वर्ड मुझे जो और याद आ रहा है जब हम लोग ये बात करते हैं कोई रिस्पेक्ट के काबिल है तो वर्दी है है ना तो वर्दी भी बोल सकते हैं उसको नाउन बनाना है तो वर्दी बोल सकते हैं हो गया यानी लायक है राइट आप देखिए सबसे पहला वर्ड है दीसन्सी। दीसन्सी यानी ग्रेशियसनेस है ना अगर कोई पर्सन डिसेंट होता है तो ग्रेसफुल होता है वो एलिगेंट होता है तो एलिगेंसी और ग्रेशियसनेस इसके सिनोनिम हो जाएंगे राइट ग्रेशियसनेस नेक्स्ट वर्ड हमारा इमोरल है अगर कोई पर्सन इमोरल है तो वो इलिसिट है वो क्या काम करता है इलीगल काम करता है और प्राइमेसी प्राइमेसी यानी कि हमारी प्राइमरी हम किसको प्रेफर करते हैं प्रेफरेंस प्राइमरी इज प्रेफरेंस पेंस चेंज कर लेती हूँ सो दैट कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाए प्राइमेसी इज प्रेफरेंस ठीक है प्राइमेसी है प्रेफरेंस है और प्राइमरसी है प्रेफरेंस हो यानी किसी को प्रेफर करना यानी किसी को प्रायोरिटी देना राइट तो प्राइमरसी में हम लोग प्रायोरिटी भी नोट कर सकते हैं राइट अब देखिए अब लास्ट वर्ड हमारे पास बचा है शैग्रिन उसको फिर से मैं चेंज करके पेन और बताऊंगी ताकि आप लोग नोट कर पाए है ना शैग्रिन व्हाट इज शैग्रिन अगर शैग्रिन है तो इट इज़ अ रीज़न ऑफ अनॉयंस शैग्रिन यानी एंगर राइट अनॉयंस इरिटेशन ये सारे वर्ड शैग्रिन के सिनोनिम हो गए अब अनोयेंस है इरिटेशन है तो एग्जास्परेशन एग्जास्परेशन यही होता है एग्जास्परेशन यहाँ पे आ जाएगा नोट करिएगा गाइस देखिए मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए सारे अलग अलग पेंस मैंने अब यूज करना शुरू कर दिया वैक्सेशन भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है तो वैक्सेशन हो गया अनोयस हो गया इरिटेशन हो गया और एग्जैसपरेशन हो गया शैगरिन हो गया और किसी को इरिटेट करना हाँ वही सब कुछ आ गया है यहाँ पे तो शैगरिन डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट होता है इमोरल यानी इलीगल प्राइमेसी देना और शैगरन यानी गुस्सा दिलानिन तो कहाँ है वैसे तो डायरेक्ट पर डिग्निटी इज रिस्पेक्टेबिलिटी डिग्निटी इज वर्स डिग्निटी इज ऑनरेबिलिटी डिग्निटी इज इंटेग्रिटी राइट तो राइट right जो है यहाँ पे मिलता जुलता है वो डिसेंसी

डेफिकेट है वॉट इज डेफिकेट ऐसे ऐसे वर्ड जो लग रहे हैं नए हैं तो डेफिकेट करना यानी क्या होता है एग्जैक्टली exactly. डेफिकेट करना यानी अपने बॉडी से गंदगी को निकालना वगैरह को निकालना दैट इज डिस्चार्ज डेफिकेट करना यानी डिस्चार्ज करना ठीक है एग्जेल करना एग्जैक्टली exactly. डिस्चार्ज करना इंजेस्ट करना तो इनटेक करना होता है इनटेक करना इम्बाइब करना गजल करना ये सारे सिनोनिम होते हैं इनटेक इम्बाइब पेन चेंज करना था ना आई इन टेक करना, करना ये इसके, quench है, शाफ है, है तो सेक्रेट क्या होता है वॉट इज सेट सेक्रेट इज डिस्चार्ज इट सेल्फ राइट तो सेक्रेट जो है हमारा ये काफी प्रॉब्लम होगा सेक्रेट जो है हमारा वो डेफिस डेफिकेट जो है डिस्चार्ज जो है इसी का ही सुनाने में सेक्रेट करना यानी डिस्चार्ज करना होता है सेक्रेट करना यानी सेक्रेट करना एक्सक्रीट करना भी होता है एक्सक्रीट करना एक्सक्यूट करना सुनिएगा ध्यान से एक्सक्रीट करना यानी क्या होगा डेफिकेट करना गंदगी को बाहर निकालना एक्सक्यूट करना ओके okay? ये सारे वर्ड्स इसके सुनाने में हो गए सेक्रेट पढ़ लिया इनजस्ट पढ़ लिया क्वेंच वट इज क्वेंच क्वेंच करना यानी क्या होता है क्वेंच करते हैं जब हम किसी को तो हम क्या करते हैं हम किसी को सैटिएट करते हैं सेटिएट करना सेटिसफाई करना मॉलिफाई करना ये सन होंगे इसके सेटिसफाई करना मॉलिफाई करना किसी को आ, किसी की प्यास बुझाना किसी की नीड को सैटिस्फाई करना किसी की डिजायर को सैटिस्फाई करना तो सैटिस्फाई पैसिफाई करना ये सारे इसके होंगे, राइट चलिए अब शेफ, शेफ 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 गया, क्या होता है? शेफ होता है? है कचरा जैसे कि अनाज में से निकाला जाता है उसको कहा जाता है समथिंग तो शेफ क्या होता है शेफ इज समथिंग वेस्ट शेफ इज वेस्ट राइट Ja, Rubbish. चल। इसी के साथ सारे मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की तो राइट आंसर आपका आ गया होगा। वर्ड है, इसका होगा। है, इसका थोड़ा सा लंबा चलेगा ये सेशन क्योंकि हम लोग हर वर्ड को करेंगे पर हां, हर वर्ड मैंने हाँ गलत मत करेगा आप चाहें तो स्क्रीन ले लीजिए आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट करिए इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे एमिनेंट पे अगर कोई पर्सन हमारा एमिनेंट है तो वो कैसा है देखो एमिनेंट हम जानते हैं एमिनेंट है पॉपुलर है पॉपुलर है फेमस है राइट right? पॉपुलर है फेमस है तो इसका आंसर तो आप लोगों को आ गया अगर कोई पर्सन फेमस है पॉपुलर है तो एमिनेंट है और एमिनेंट है तो उसको सब जानते हैं सब जानते हैं यानी ही इज अ पर्सन तो राइट right आंसर तो आ गया अब नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉमन है ये तो इजी वर्ड है बहुत ज्यादा टफ नहीं है कॉमन है यूजुअल है जनरल है एवरीडे है सब जानते हैं ऑब्सक्योर यानी होता है वेग या फिर अनक्लियर राइट right? या फिर अननोन भी होता है अननोन जस्ट ऑपोजिट अगर पूछा जाता तो हम इसको रख देते हैं वेग होता है अनोन होता है अनक्लियर होता है जिसके बारे में सबको नहीं पता सब जिसको नहीं जानते हैं राइट ये सारे सिनोनिम हो गए अब लास्ट वर्ड है हमारा फिनोमिनल वॉट इज फिनमिनल एग्जैक्टली फिनल और इसमें क्या डिफरेंस है बहुत अच्छे से समझिएगा वैसे वैसे तो हमारा जो ये वर्ड है एमिनेंट और इसके सुनानी में हमें फिनमिनल मिल जाता है राइट बिल्कुल मिल जाता है लेकिन क्यों इसको यहाँ पे दोनों को दे दिया और मैंने फिनोमिनल नहीं बताया क्योंकि फिनमिनल है अगर कोई तो वो कैसा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सुनानी में मिल जाएगा फिनमिनल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट स्पेलिंग देखिएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और रिमार्केबल है रिमार्केबल का मतलब क्या होता है रिमार्केबल समथिंग हु वेरी रियली वंडरफुल हु अमेजिंग हु हु आउटस्टैंडिंग तो ये अस्टॉनिशिंग आउटस्टैंडिंग ये सब भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए लेकिन एस्टोनिशिंग ठीक है कुछ स्टॉनिशिंग uh, थोड़ा सा ज्यादा हो गया हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेगा स्पेलिंग का हो सकता है लिखते लिखते मुझसे कुछ गलती हो जाए तो माफ करिएगा हाँ एस्टॉनिशिंग है रिमार्केबल है है अमेजिंग है राइट तो तो ये सब तो ल में और इसमें क्या एक तो वहां फिनल हील एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग नहीं भी जानते पर एक्स्ट्रो हो सकता है तो ये उसी का ही पार्ट है थोड़ा सा आगे राइट थोड़ा सा आगे जब इन दोनों में आ गया हमारे पास पासनिम दोनों ही आ गए तो फिर हमें एग्जैक्ट चुनना होगा एमिनेंट है तो फेमस है पॉपुलर है है वेल नोन है ओके और अगर फिनमिनल है तो एक्स्ट्रा है रिमार्केबल है अमेजिंग है आउटस्टैंडिंग है एस्टाउनिंग है एस्टोनिशिंग है

करना, जैसे कि जो विल होती न, बिल, वसीछत, वसीछत किसी के नाम करना है ना देना, दे देना तो करना, करना, में ठीक है विकित करना कॉन्फर्म करना बेस्टो करना किसी को प्रेजेंट कर देना राइट किसी को कोई गिफ्ट देना बेस्टो करना अवार्ड करना ये सब आपस में सिनोनिम होते हैं ध्यान रखिएगा अवार्ड करना प्रेजेंट करना ओके? अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे दो वर्ड्स बचे अब दो तो यहां आ गए बिकीत करना कॉन्फर्ट करना गिफ्ट करना बेस्टो करना प्रेजेंट करना अवॉर्ड करना और डिटोनेट और बचता है रेंच तो डिटोनेट क्या होता है रेंच क्या होता है आइए डिटोनेट क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं डिटोनेट करना ही नहीं होता है इग्नाइट वट इज इग्नाइट इग्नाइट इज फायर आग लगा देना ठीक है ब्लास्ट कर देना ये होता है हमारा डिटोनेट डिटोनेट कर दिया अगर तो ब्लास्ट कर दिया इग्नाइट कर दिया एक्सप्लोड एक्सप्लोड राइट इज अनदर वर्ड एक्सप्लोड करना यानी धमाका करना होता है इरप्ट करना भी इसका एक ही और वर्ड होता है तो इरप्शन इज ब्लास्ट एक्सप्लोड इज ब्लास्ट ब्लास्ट इज ब्लास्ट और डिटोनेट इज ब्लास्ट इग्नाइट इज ब्लास्ट तो ये सारे वर्ड जिसके सुनानी में अब बचता है रेंच तो रेंच क्या होता है राइट right आंसर बिल्कुल सही रेंच करना यानी वायलेंटली किसी से कोई सामान ले लेना पुल कर लेना छीन लेना जॉक कर लेना राइट right? तो राइट right आंसर हमारा इसका क्या होगा द राइट आंसर विल बी रेंच रेंच इसका राइट right आंसर होगा किसी से सडनली कुछ छीन लेना राइट right? तो स्नैच का सनानिम वैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे सनानिम लिख दिया और राइट right आंसर भी मैंने रेंच होगा ये भी इसके सनानिम में आ जाएगा तो सनानिम जरूर नोट करिएगा कोई वर्ड आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी में भी कोई कंफ्यूजन हो जाए तो जरूर से आ, उसमें बताइएगा मुझे मैसेज में कॉमेंट करके बताइएगा और हाँ सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताते जाइए और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को लाइक like कर दीजिएगा सेशन को ताकि कि हमें मुझे अच्छा लगे आप लोगों का मोटिवेशन आप लोगों का प्यार ही है जो हमें और आगे काम करने को आ, प्रेरित करता है इंस्पायर करता है मोटिवेट करता है तो इफ़ यू लव द सेशन प्लीज डू लाइक और अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब करिए सपोर्ट करिए शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को राइट right? चलिए इसी के साथ थर्टी सिक्स पे खत्म होता है थर्टी पे चलते हैं थर्टी पे हमारा वर्ड है स्प्ल्टर अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि वर्ड्स ऐसे भी आ जाते हैं जिनके सिनोनिम्स तो हमें आते हैं लेकिन हमें एग्जैक्टली exactly नहीं आता कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहला हमारा वर्ड है स्प्लिंटर स्पलिंटर क्या होता है स्प्लिंटर होता है किसी का कोई हिस्सा हो भाग हो फ्रेगमेंट रेड दिखेगा इसमें है ना दिखेगा आराम से कोई दिक्कत नहीं है फ्रेगमेंट है चिप है तो हमें सिनोनिम तो मिल गया इसका राइट right आंसर होगा चिप राइट right? फ्रेगमेंट है चिप है किसी का कोई टुकड़ा होता है चिप क्या होता है किसी चीज का कोई पीस हो गया कोई बिट हो गया कोई हिस्सा हो गया और कोई छोटा सा पार्ट हो गया ना इसको कहते हैं राइट फ्रेगमेंट है हिस्सा हो गया चिप हो गया हिस्सा लिख लीजिएगा यहाँ पर स्प्लिंटर यानी क्या होगा स्प्लिंटर यानी होगा हिस्सा राइट right? और चलते हैं स्टब है, है शेयर है एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को हाँ स्टब स्टब क्या होता है आप देखो शेयर तो आपको आता है शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई गेस है ना स्टब करना क्या होता है स्टब 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 क्या होता है इज नाउन कोई सिगरेट वगैरह होती है ना सिगरेट है या पेंसिल है ज्यादातर सिगरेट के लिए स्टब वर्ड का यूज किया जाता है स्टब सिगरेट का जो लास्ट कॉर्नर रह जाता है ना येलोइश कलर का या पेंसिल का जो लास्ट कॉर्नर रह जाता है शेप सिमिलर शे उसी की तरह शेप्ड करके एकदम जो एंड टेल रह जाता है उसको बोलते हैं एंड टेल ऑफ सिगरेट और पेंसिल सिगरेट सिगरेट की स्पेलिंग बहुत आती है एग्जाम में ध्यान रखिएगा सिगरेट और पेंसिल उसको कहते हैं स्टब ओके अब रहता है हमारा फ्रिक्शन व्हाट इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या होता है दो चीजों में आपस में टकराहट दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन क्या होता है टकराहट होता है, है ना और फ्रिक्शन को इंग्लिश में और क्या कहते हैं फ्रिक्शन को इंग्लिश में सबसे पहले कहते हैं क्या होता है अबरेजन ही होता है टकराहट ठीक है या रब करना एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो रबिंग की जो आवाज़ होती है घर्षण इन हिंदी इट इज घर्षण ऑल्सो हाँ साइंस uh, में शायद ये वर्ड आता है आप लोगों के फ्रिक्शन अब्रेजन रबिंग टकराहट घर्षण इट इज कॉल्ड

स्पार्टन है तो थोड़ा सा रूड है कैसा है रूड है हार्श है राइट right? रूड है हार्श है यानी कि रूड है हार्श है और अगर किसी लाइट के लिए यूज किया जाए राइट right? लाइट के लिए भी यूज किया जाता है इसको तो गॉडी है यानी कुछ ज्यादा ही चमकदार है ओवर ब्राइट भी बोलते हैं इसको गॉडी ओवर ब्राइट स्पैटन और लाइट के लिए क्योंकि यूज होता है तो ग्लैरिंग बहुत ही ज्यादा चमकने वाला ग्लैरिंग और अगर यहां पे हम बात करें रूड है हार्श है तो इसके लिए वायलेंट भी हो सकता है दोनों सेंस साथ में लिखते जाएंगे ठीक है है कोई पर्सन तो वो हार्श है रूड है वायलेंट है क्रूअल है और अगर कोई लाइट है तो वो कुछ ज्यादा ही गॉडी है ओवर ब्राइट है बहुत ही ज्यादा चमकने वाली ग्लैरिंग है राइट और गैरिश जो है इसी का काम है तो ये दोनों बिल्कुल सेम वर्ड है फॉरगिवन क्या होता है फॉरगिवन यानी जिसको माफ कर दिया गया है सिविलाइज यानी कोई ऐसा पर्सन जिसमें बहुत ज्यादा मैनर्स है एटिकेट है उसको सिविलाइज कहा जाता है सोफिस्टिकेटेड और ब्रेव यानी स्ट्रॉग पर्सन पावरफुल पर्सन तो कोई यहाँ पे दूसरा वर्ड नहीं है समझना है किसी के साथ 38 हमारा खत्म होता है थर्टी पे चलते हैं थर्टी मतलब क्या है थर्टी में लिखा हुआ है स्टॉनिश अगर स्टोनिश कोई चीज हमें कर देती है तो स्टॉनिश करना यानी अभी अभी आता है स्टोनिशिंग है स्टनिंग है और सरप्राइजिंग है तो स्टॉनिश नी सरप्राइज वर्ब है देखो एज अ वर्ब यू उठ के आ गया सरप्राइज स्टन राइट स्टन ओनली वर्ड अब मुंडेन है एम्प्रेस है, है ये एम्प्रेस आई नहीं है एम्प्रेस है एम्पर वाला राइट तो क्वीन हो गया इसका मीनिंग क्वीन हो गया ध्यान रखें। ओवरवेल में ओवरवेल मिस का आंसर हो जाएगा स्टर्निश हो गए ओवरवेल हो गए कुछ ज्यादा ही फीलिंग आ गई राइट वो हो गया काम यानी पेसिफाई करना होता है अभी पढ़ा था हमने मुंडेन क्या होता है अगर कोई चीज मुंडेन है यानी वो बहुत कैसी है मुंडेन uh, है यानी वो कैसी है सिंपल है मुंडेन है सिंपल है जनरल है कॉमन है देखिए मेरे को बार 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 एक ही जैसे वर्ड्स बताते समय ना बताते बताते रहने के कारण मुझे ये सब याद हो गए आई डिड नॉट प्रिपेयर देम एट ऑल बट मुझे याद है और मैं चाहती हूं कि आपको भी ऐसे ही याद हो जाए राइट तो मुंडेन यानी सिंपल जनरल कॉमन यूजुअल और एम्परस एम्पर से बना हुआ है ओवरवेलम इसका राइट आंसर होगा अगर काम है तो काम है यानी क्या हो जाएगा काम है यानी पीस है पीस है यानी क्वाइट है और क्वाइट है यानी शरीन है ये वर्ड्स याद रखिए काम आएंगे बार 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 राइट right? सिनोनिम्स हो गए यहाँ पे सारे हो राइट right आंसर भी हमें मिल गया थर्टी नाइन का अब चलते हैं फोर्टी पे और फोर्टी पर आते ही गॉडी आ गया देखो अभी अभी हमने गॉडी वर्ड किया था देखिए फोर्टी पर आते ही मैं अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी गाइज की जितने आंसर्स जितने आंसर्स आपके सही हैं मार्क्स जरूर जोड़ के रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैबलरी का ये सेशन वो कैबलरी ही हमें एक्चुअली अगर हमें आ रहे होंगे तो हमें हिम्मत देगा और नहीं आ रहे होंगे तो हमें हमारी सही स्टैंड कहाँ हम करते हैं वो भी हमें बताएगा कितनी तैयारी हो गई है कितनी बाकी है कितने वर्ड्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे ये सब हमें आना चाहिए राइट तो इसी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन्हें नोट करें आइए चलते हैं गॉडी पे अरे गॉडी कहाँ चला गया गॉडी आया था ना अभी जस्ट अ सेकेंड गॉडी इज ओके गॉडी लिखा हुआ है गॉडी अब सब सबसे पहले सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर सारे वर्ड्स को देख लेते हैं गॉडी है, है यानी कि क्या है गॉडी है यानी कि क्या है अगर कोई चीज गॉडी है तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चमकदार है राइट ग्लैरिंग है अभी अभी एक वर्ड आया था ग्लैरिंग है शाइनी है राइट अब यहाँ पे ग्लैरिंग और शाइनी नजर नहीं आ रहा राइट तो गॉडी है यानी कुछ ज्यादा ही दिखाने वाला है तो दिखावा करने वाले को हम क्या बोलते हैं गॉडी है, है यानी प्रिटेंशियस है राइट right? शोई है समझ में आ रहा है शोई इसका समानार्थी हो जाएगा रिफाइंड है रिफाइंड है यानी क्या है सोफिस्टिकेटेड है कल्चर्ड है सिविलाइज्ड है भी आया था ना सिविलाइज्ड है ये सब वर्ड्स आगे पीछे देखो एक ही एग्जाम सीएचएसएल 2016 कर रहे हैं आगे पीछे सेम वर्ड्स आ रहे हैं अगर कोई पर्सन मॉडेस्ट है तो कैसा है शाय है मॉडस्ट हो तो कैसा है वीक है मॉडस्ट है तो कैसा है हंबल है मॉडस्ट है तो कैसा है डिफिडेंट है ये सब इसके सिनानी होंगे और आगे पीछे अभी आएंगे तो आप लोगों को क्या करना है पढ़ते जाओ आते जाएंगे नहीं आया नोट कर लो दोबारा जब आप करोगे तो फोर्टी आ जाना चाहिए राइट चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर्टी हमारा खत्म होता है सेकेंड इसका राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी आपके सामने ये रहा ग्री गैरियस ियस इंट्रोवर्ट होता है या मेलनकली होता है या होता है? तो पता होना चाहिए अब तक तो 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 आ गया होगा. Gregarious अगर अगर है है कोई कैसा है है तो सोशिएबल है और सोशिएबल है तो कैसा है फ्रेंडली है सोशिएबल तो है फ्रेंडली है लविंग तो है कंपेनियबल है क्लबल है फ्रेंडली है, loving है और कैसा है सोशल है अफेबल है एमिएबल है राइट right? एमिकेबल है एमिएबल एमिकेबल भी लिख लेते हैं यहां पे फिर देखेंगे कौन सा वर्ड इसके लिए लिखा हुआ है अफेबल लिखा हुआ है ओके okay. एमिएबल है अफेबल है फ्रेंडली है आउट है राइट right? हैपनिंग है हैपनिंग भूल गई मैं लिखना हैपनिंग कहाँ पे लिखू आप लोग लिखिएगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स है यहाँ पे जो आ सकते हैं राइट right? अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है इंट्रोवर्ड अगर कोई पर्सन इंट्रोवर्ड है तो क्या होता है अपने तक ही सीमित रहता उसे बातें करना पसंद नहीं होती तो वो आ, वो कैसा है वो बिल्कुल अफेबल नहीं है बिल्कुल लविंग चार्मिंग नहीं है मेलन का लिख है यानी लोनसम है सैड है इसको भी हम लोनसम बोल सकते हैं पर इसको सैड नहीं बोल सकते इसको सैड और डिजेक्टेड भी बोल सकते हैं ठीक है अब फ्रेंडली हो गया लवेबल हो गया हो गया, है ना इसी के वर्ड्स हैं ये सारे ग्रीन पेंसिल लिखूंगी तो आप कंफ्यूज ना हो जाए देखिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो ना. राइट right. अब देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है लास्ट वाला पेंसिव

है 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 एमिएबल हैपनिंग फ्रेंडली है चेयरफुल है है ये सारे होते हैं हैं इसी के साथ अब आते हैं, हमारे वर्ड नंबर 42 पे और फिर से मैं कहूंगी अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आपने अगर लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, 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 प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए लाइक करना यानी कि आपका मुझे मोटिवेट करना और अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो फिर से हम लोग नए सेशन को लेकर आएंगे बहुत जल्दी राइट आइए रीअसर्ट करना रीअर्ट करना क्या होता है रीअसर्ट करना या करना ही होता है असर्ट करना यानी क्या होता है अपनी बात को कहना राइट right? अपनी बात को uh, प्रोफेस करना किसी को अपनी बात को बताना एक्सप्रेस करना राइट एक्सप्रेस योरसेल्फ सेल्फ योरसेल्फ ये सारे वर्ड्स होते हैं। आप देखिए पे renounce. अगर आप renounce करते हैं तो आप क्या करते हैं आप सरेंडर कर दें छोड़ देते हैं ठीक है डिसबिलीव करना बात नहीं मानना कंसील कंसील करना क्या होता है कवर राइट right? और एक्नोलेज एक्नोलेज करना यानी अपनी बात को कहना थैंक यू कहना एक्नॉलेज करना होता है अप्रूव करना होता है एक्नोलेज करना और से समथिंग एक्नोलेज करना होता है तो राइट आंसर यहाँ पे एक्नॉलेज इसका राइट आंसर होगा रीअसर्ट का राइट right? चलिए 42 टू यहाँ पे खत्म होता है बहुत ज्यादा टफ नहीं था हाँ बी डेवलपमेंट बहुत अच्छा वर्ड है बी डेवलपमेंट बोलिए बी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी इसको बोलने में बहुत मजादार वर्ड है और अच्छा भी है बी डेवलपमेंट मतलब समझो इसका बी डेवलपमेंट यानी डेविल है इसके अंदर तो डेविल कर डेवलपमेंट कर देते हो अगर आपने किसी को बी डेवल कर दिया देखो एक सेकेंड कौन सा वर्ड था डेवलपमेंट था है था अब देखिए बी डेवलपमेंट है ये है ना आप बी डेवलपमेंट कर दिया यानी आपने किसी को क्या कर दिया, दिया। मेंट हटा दो Devilman, be devil. Devil noun है, be devil कर दिया? दिया, दिया? गुस्सा दिला दिया का नाउन है राइट अभी कोई वर्ड आया था ना पीछे गुस्सा दिलाने का इरीटेशन आया था शायद या वैक्सेशन आया था वापस लिख देती हूँ मैं वैक्सीन ठीक है इरीटेशन क्योंकि एम एन टी लगा हुआ है यानी नाउन हो गया है अभी है ना इरिटेशन हो गया वैक्सेशन हो गया अनॉय करना भी यही होता है तो अनॉयस क्योंकि नाउन है ये तो अनॉय हो गया ये सब सनिम होंगे गाइस अनॉय कर दिया आपने इरिटेट कर दिया आपने किसी को परेशान कर दिया तो बॉर्डर करना ट्रबल करना होता है ना तो बॉर्डरेशन यानी ट्रबल कर दिया आपने उसको परेशान कर दिया इरिटेट कर दिया और हैरेस कर दिया यानी परेशान कर दिया तो हैरेसमेंट भी यहां पे हो जाएगा राइट right? अब देखिए आगे वर्ड देखते हैं डिलाइट सबसे पहला वर्ड क्या है डिलाइट डिलाइट यानी क्या होता है जॉय जॉय यानी क्या होता है खुशी यानी आपने किसी को डिलाइट कर दिया डिलाइट फुल मोमेंट यानी चो फुल मोमेंट चो मैरी हैप्पी ये सब आपस में सुनाने में और यह इसका बिल्कुल अपोजिट है बीसेट कर देना फैसिलिटेट किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं यानी आप उसको फैसिलिटी कर रहे हैं आप उसको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं कंटेंटमेंट कंटेंटमेंट यानी कंटेंटमेंट यानी होता है सेटिस्फाई कंटेंट यानी क्या होता है सेटिस्फाई तो सेटिस्फेक्शन ग्रेटिफिकेशन ये सिनोनिम होंगे आपस में राइट right.

ये सारे वर्ड्स मैंने सुनाने में बार बार इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग के पास अगर नहीं हो तो आप लोग नोट कर सके राइट चलिए इसी के साथ 43 राइट आंसर टू इसी के साथ 44 पे अब चल रहे हैं ये रहा अगर हम डिप्राइव हैं तो किसी चीज से क्या है वंचित हैं क्यों कोई चीज की कमी से ही तो डिप्राइव होता है डिप्राइव यानी किसी चीज का अभाव किसी चीज की कमी तो लैक ऑफ समथिंग राइट लैक कमी ठीक है अब बेस्टो करना 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 आया 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 था ना आया था था ना ना ये अभी अभी तो ये सारे वर्ड्स आपस में सनिम है और आते रहेंगे अब बार 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 क्योंकि काफी वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं तो रिलेटेड वर्ड आते रहेंगे दिस्पसेस करना दिस्पसेस करना यानी कुछ नहीं है आपके पास यानी यू आर लैकिंग समथिंग पजेस करना यानी आपके पास होना तो लैकिंग ये यहाँ पे क्या हो गया सननिम हो गया एंडो करना यानी वेस्टो करना कंफर करना होता है तो सब आपस में सुनाने में राइट right, तो राइट आंसर डिप्रो का क्या होगा डिस्पजेस हो जाएगा बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था 44 नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं 45 कंसोलिडेट कंसोलिडेट क्या होता है कंसोलिडेट क्या ये सॉलिड से बना है नहीं कंसोलिडेट करना क्या होता है किसी चीज को कंबाइन कर लेना यानी कि जोड़ लेना वो अलग 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 पार्ट लगे हुए थे आपने कंसोलिडेटेडली एक साथ ले लिया तो कंसोलिडेट कर लिया यानी कंबाइन कर लिया यानी इंटीग्रेट कर लिया ठीक है कंसोलिडेट कर लिया इंटीग्रेट कर लिया जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कंसोलिडेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं मर्ज कर रहे हैं राइट right? कंसोलिडेट कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं मर्ज कर रहे हैं मिक्स कर रहे हैं समझ में मिक्स कर, uh, कर रहे हैं यानी मिंगल कर रहे हैं मिंगल लिख दिया मैंने मिंगल का ही एक और सिनोनिम होता है जो एग्जाम में काफी आता है अमेल्गामेट अमेलगामेट कर रहे हैं मिक्स कर रहे हैं अब देखिए यहां पर वर्ड्स को देखिए वेरिएट करना यानी डिफर करना सेपरेट करना अलग अलग करना सेग्रीगेट करना ठीक है वाइफोकेट करना अपोजिट है वेरिएट करना इन्हें डिफर करना सेपरेट करना सेग्रीगेट करना बाइफ़ोकेट करना सेग्रीगेट करना डिक्लेयर और अनाउंस आप लोगों को पता है कोई डिक्लेयर करना है कुछ अनाउंस करना यानी आप कुछ बताने वाले हैं तो एसर्ट करना अभी जो आया था ना असर्ट करना रीअसर्ट करना ये सारे सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज करना सारी चीजें को इकट्ठा करके एक जगह पे ले आए है ना जैसे कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है तो सेंट्रल से चलती है हर जगह की तो कंबाइंड रूप में यूनाइटेड रूप में इंटीग्रेटेडली राइट एमेलगाट तो ये सारे वर्ड इसके सुनानी में हो जाएंगे वेरिएट का यहाँ पे और ये दोनों आपस में अपोजिट है वेरिएट और कंसोलिडेट वेरिएशन में यानी अलग अलग होना कंसोलिडेशन यानी एक साथ होना तो ये एंटेम में भी आ सकते हैं वर्ड्स को संभाल के रखिएगा खूब सारे वर्ड्स मैं इसीलिए इस सेशन में बता रही हूं और यही कारण था कि इस सेशन को बहुत बाद में लाया गया ताकि इतना टाइम हो कि हर एक के लिए हम आपको हर वर्ड अच्छा दे सके नया दे सके चलिए अब है हमारा वर्ड है नेक्स्ट जो है वो है इंस्क्रिप्शन वॉट इज इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करा हुआ है कहीं पे है ना इंस्क्राइब किया हुआ यानी कि क्या? क्या कार्विंग इंस्क्रिप्शन यानी क्या होता है कार्विंग कार्विंग की हुई है यानी कि कहीं पे लिखवाया गया इंस्क्राइब कर दो दीवारों पे लिखा हुआ है कार्विंग की हुई है इंप्रिंट करा हुआ है हाँ इंप्रिंट वर्ड होता है एक इंप्रिंट imprint या इंप्रिंटेड कार्विंग या मार्क्ड या मार्किंग राइट right? ये सारे वर्ड सदन में हो जाएंगे अब आते हैं और वर्ड्स में स्क्रबलड स्क्रबलड क्या है स्क럽ड जो वर्ड होता है स्क럽ड वर्ड है आई एम सॉरी स्कबलड पढ़ लिया मैंने स्क्रबड यानी डिसअरेज डिसरेंज है डिसऑर्डर है बिल्कुल भी चीजें एकदम जमी हुई नहीं है बेकार सा लग रहा है राइट तो दैट इज डिसऑर्डर हो जाएगा सीक्वेंस में ना हो कोई चीज ठीक है रिवेट है और जेडेड है एनग्रेव एनग्रेव इसी का सना होता है कार्विंग का ठीक है तो इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड हो गया एक जैसा अब दो वर्ड बचे हैं रिबिट और जेडेड

चलिए यहाँ पे हमारा 46 सिक्स वर्ड खत्म होता है और सबके कि हर वर्ड आपको आ जाए तो आप भी ऐसी कोशिश करें अपने हर वर्ड को नोट करते हुए चले धीरे धीरे अभी आप प्लीज आंसर दे दीजिए जितना अभी नोट कर सकते हैं करिए दोबारा जरूर देखिएगा इस वीडियो को फोर्टी सिक्स यहाँ पे खत्म होता है फोर्टी पे अब हम लोग चलते हैं ठीक है थीके? एक काम करिए इस वीडियो को कैसे देखिए अभी आप लोग अगर सिर्फ 50 वर्ड झेल सकते हैं तो सिर्फ 50 देखें ठीक है नेक्स्ट 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 टाइम टाइम आप 50 या 30 देखें ऐसे करें ताकि आपकी तैयारी हो इसका मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपको बस एक बार देखना है और चल देना है ये ऐसा है ही नहीं वीडियो इस वीडियो को चाहिए आपका पूरा टाइम पूरा एनर्जी और आप अगर पूरे वर्ड्स को आप सीख गए तो अब आपका ये जो है वो सक्सेसफुल होगा राइट तो आपको इसको सक्सेसफुल बनाना आपके लिए है काम आना चाहिए ओके चलिए फोर्टी सेवन पे हम लोग चलते हैं फोर्टी सेवन में है रिप रिप का मतलब क्या होता है सीज होता है सीज यानी क्या होता है स्टॉप कर देना रोक देना रोक दिया आपने यानी टर्मिनेट कर दिया यानी आपने 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 कर 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 दिया 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 या आपने किसी को कर दिया, है ना ये सारे वर्ड होते अच्छा, लिखा हुआ था आई एम सो सॉरी मुझे लिखना नहीं चाहिए था ये वर्ड को नेक्स्ट वर्ड लिख देती हूँ आपने स्टॉप कर दिया एंड कर दिया डिसकंटिन्यू कर दिया राइट ये सारे वर्ड्स इसके गए अब जो वर्ड्स है आगे उसका क्या गैश है और सी है तो गैश है सीयू है ये जो है ये दोनों और सॉरी तो सिलना होता है ठीक है और गैश और रिप गैश होता है ना हाथ में गैश लग गया यानी कि एक कट लग गया है ठीक है कट लग गया है हार्म हो गया है हर्ट हो गया है राइट या हा रिप हो गया है रिप इज ऑल्सो द सेम रिप हो गया है टीयर हो गया है राइट या गैप गैप आ आ गया है, आ गया है, तो वो भी इसी का चलते हैं फोर्टी एट पे हमारे सामने है स्टैश एक ऐसा वर्ड शायद बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि जनरली एग्जाम में नहीं आता है पर कभी कभी आ भी सकता है जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं सो देट कि आराम से कर पाए देखो है डेफिशिट है लैक है इन तीनों का मतलब क्या होता है डर्थ होना यानी कमी होना लैक होना यानी कमी होना डेफिशिट डेफिशिएंसी से बना हुआ तीनों का मतलब क्या होता है कमी होना कमी होना कमी होना राइट यानी ये तीनों आपस में सुनने में राइट आंसर स्टैश का फोर होगा ये हमें समझ में आ गया अब कैश कैश क्या होता है हमें पता है एग्जैक्ट हमारे फोन में भी जनरली कैश में रखने का एक ऑप्शन होता है मेल्स को भी हम कैश में कर सकते हैं तो व्हाट इज दैट कैश करना यानी क्या होता है स्टोर समथिंग स्टोर कर लेना किसी चीज को स्टोर समथिंग किसी चीज को स्टोर कर लेना इन हिडन प्लेस हिडन प्लेस पे या सीक्रेट प्लेस पे आप किसी चीज को स्टोर कर रहे हो हिडन कर रहे हो रख रहे हो हिडन और सीक्रेट प्लेस दैट इज कैश ठीक है दैट इज कैश दैट इज कैश सेम वर्ड बिल्कुल सेम राइट right? इसके एक आधार माहौल होते हैं स्टे, स्टे, जो हमारा स्टैश है सिमिलरली एक और वर्ड होता है स्टो 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 कर लेना हालांकि बहुत कम यूज में आता है जैसे मैंने बताया बट बत कभी कभी ये आ सकता है एग्जाम में तो हमें जानना चाहिए स्टो स्टो कर लेना पैक कर लेना पैक इज इजा सिनोनिम स्टोर का सीक्रेटली स्टोर करना लोड कर लेना और कैश कर लेना ये सब आपस में सुनाने में कैश इसका राइट आंसर आंसर होगा मीनिंग इज देयर और बाकी सब में तो बहुत आसान है इसका देना लेकिन मीनिंग पता करना भी इतना ही आसान है राइट right? बहुत टफ नहीं है किसी भी चीज को हिडन करके रखना छुपा के रखना सीक्रेट प्लेस पे रखना दैट इज कैश ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट हमारा एंशियंट है अगर कोई चीज एंशियंट है तो वो कैसा है ओल्ड है या मॉडर्न है ये बताइए एंशियंट तो बहुत ही पुराना है है ना ओल्ड हो गया एंशियंट तो पुराना हो गया ओल्ड हो गया यूनिक हो गया राइट इसी को ही एक और वर्ड बोलते हैं दैट इज यानी पुराना है 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 अब फैड फैड ये ध्यान से देखिएगा फेड होता है जो पुराना हो जाता है पर इट इज फैड फैड क्या होता है विच इज इन फैशन जो कि फैशन में है जिसका अभी ट्रेंड चल रहा है जिसका अभी क्रेज है ट्रेंड है फैशन है क्रेज है That is fad, okay? तो ये अपोजिट है एंशेंट का टॉपिकल और एक्सटेंट टॉपिकल क्या हो गया टॉपिकल हो गया जो कि अभी चलता है ट्रेंडी है राइट right? और एक्सटेंट क्या हो गया एक्सटेंट में यही होता है स्टिल जो कि अभी तक भी सर्वाइव कर रहा है एक्सिस्टेंस है जिसका स्टिल इन एक्सिस्टेंस ठीक है यानी कि सर्वाइविंग स्टिल सर्वाइविंग

सटल में बी जो है उसको बोला नहीं जाता है सटल होता है ना क्विक है सटल है शार्प है और क्विक uh, है और फास्ट है तो ये सारे निम्बल के लिए हो जाते हैं फ्लैक्सिबल है तो ये सारी क्वालिटी एक स्क्रल में होती है इसलिए निम्बल स्क्रल के लिए आता फ्रेड है और स्प्रेड है स्प्रेड यानी क्या होता है फैला देना सब जगह है ना स्प्रेड यानी स्कैटर्ड फैला हुआ और फ्रेड है एक बार देख लेते हैं स्प्रेड यानी क्या होता है स्प्रेड यानी स्कैटर्ड ही होता है

स्प्रेड का है, है, और फैला हुआ है कंफ्यूज इसका, इसका नहीं होना अलग अलग वर्ड है बहुत सारे वर्ड रखें इसीलिए मैं एक एक वर्ड को बहुत आराम से हालांकि ये सेशन लंबा बहुत होने जा रहा है बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है लेट्स सी कितना कर पाएंगे हम लोग फिफ्टी हो गया फिफ्टी वन पे करते हैं चौक हमारे सामने एक वर्ड है स्टिफल है एड है कार्बन है ब्रीद है चौक हो जाना यानी क्या हो जाता है अगर चौक हो गया गला तो क्या हो जाएगा फंस जाएगा यानी कि हम सांस लेने में तकलीफ आएगी राइट तो देखो चौक इसका राइट आंसर होगा क्या राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए क्योंकि हमें क्या करना है हमें सिनोनिम बताना है इस चीज को ध्यान रखिएगा सबसे पहला वर्ड जो आता है होगा वो होगा एड एड करना यानी हेल्प करना हेल्प करना यानी सपोर्ट करना राइट तो एड हेल्प सपोर्ट पहला वर्ड हमने कर लिया कार्बन करना यानी क्या होता है कार्बन करना यानी कॉपी करना कार्बन करना इमिटेट करना है, एक दो वो वर्ड होता है एक कार्बन और होता है कार कोल को भी बोला जाता है, कोल को भी भी बोला बोला जाता जाता है है दोनों मैं लिख देती हूं समझिएगा एक तो होता है कोल और एक होता है कॉपी दोनों को ध्यान अलग अलग कारकोल होता है और कॉपी होता है इमिटेट होता है राइट रेप्लिका हाँ रेप्लिका भी इसका एक वर्ड होता है ठीक है अब सांस सांस लेना लेना होता है ब्रीद वर्ड है लेना और, स्टिफल, स्टिफल और चौक का मतलब क्या होता है सफोकेट ये वर्ड आता है एग्जाम में सफोकेट नहीं आता देखो चौक आता है और स्मोदर भी आता है स्मोदर यानी चौक सफोकेट फील करना स्मोदर फील करना ये वर्ड बहुत आता है एग्जाम में

क्वेश्चंस के मार्क्स भी देते रहिए इससे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाए राइट आइए एंडेंजर्ड हमारे सामने है एंडेंजर्ड है यानी कोई स्पीशी अगर एंडेंजर्ड है तो यानी रिस्क पे है राइट right? रिस्क है वो कैसा है डेंजर सिचुएशन में रिस्की सिचुएशन में इन आ रिस्की सिचुएशन दैट इज कॉल्ड इंडेंजर्ड ओके यानी गायब होने का खतरा मर जाने का खतरा एक्सटेंट हो जाने का खतरा ये सब यानी किसी को थ्रेटन कर दिया गया उसको वार्न कर दिया गया उसको चेतावनी दी गई है राइट तो ये दोनों सेनानी में नहीं है उलझे ना इन दोनों में ओके थ्रेटन और वार्निंग एकदम सेनानी में राइट बिल्कुल से प्रोटेक्टेड है अगर कोई चीज तो सेव्ड है राइट प्रोटेक्टेड है सेव्ड है कवर्ड है राइट तो राइट आंसर हो जाएगा और warning, हमें कंफ्यूजन भी हो सकता है कोई वर्ड आपको नया भी रख सकता है तो जितने वर्ड आपको नए लग रहे हैं उन सबको मैं कहूंगी नंबर के साथ नोट करिए फिफ्टी को नोट करके रख दीजिए फिफ्टी थ्री कार्नल अब कार्नल है यानी क्या होता है कार्नल यानी क्या होता है आइए सबसे पहले स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रिलेटेड टू गॉड रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता आध्यात्मिकतालीगेंट है यानी एलिगेंट है है, है है ना आ गया है, इसके वर्ड्स बहुत सारे स्टार्टिंग में आ गए हैं हम लोग पढ़ चुके हैं इसको राइट right? सेंशुअल है अगर कोई चीज कोई चीज सेंशुअल है तो वो कैसा होता है अराउजल होता है किसी को अराउज करने लायक होता है लस्टफुल इसीलिए सबसे पहला जो वर्ड आएगा दैट इज अराउज

ये सारे सिनोनिम होंगे कैंडल के और चेस्ट यानी होता है प्योर ओके तो सेंशुअल इसका राइट आंसर होगा 53 53 जो वर्ड है ये वर्ड बहुत ज्यादा आता है और बहुत 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 सारे लोगों का रॉन्ग भी होता है तो ध्यान रखें इसके वर्ड्स मैंने यहाँ पे सिनोनिम बताए हैं चलिए 53 यहाँ पे हो गया 54 पे चलते हैं 54 इंसाइनरेट है पार्च है मॉडरेट है इग्नाइट है क्वेंच है कौन सा वर्ड है जो पहले हम लोग कर चुके ध्यान रखे एक वर्ड है जो हमने पहले यहाँ पे किया हुआ है क्वेंच किया था क्या क्वेंच किया था शायद क्वेंच किया था या फिर इसका सिनोनिम क्या था मुझे ऐसा लग रहा है हमने क्वेंच कर लिया क्वेंच करना क्या होता है क्वेंच करना होता है एस्टिंग्विश करना एस्टिंग्विश करना क्या होता है एस्टिंग्विश करना यानी फायर को बुझा जे, बुझा देना है ना फायर एस्टिंग आता है जो फायर को बुझा देता है टू सीज वर्निंग टू स्टॉप बर्निंग बर्न कर रहा है कोई चीज जल रहा है उसको रोक देना राइट ठीक है ब्लो आउट कर देना पार्च वर्ड है सबसे पहले पार्च कर देते हैं अगर हम किसी चीज को तो उसको हम क्या कर देते हैं ड्राई कर देते हैं सुखा देते हैं विदर यानी मुरझाना होता है फूल पौधे पत्ती विदर हो जाते हैं ड्राई होते हैं पार्च हो जाते हैं सूख जाते हैं राइट अब इंसिनरेट है अब मॉडरेट है मॉडरेट है यानी कि ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी मॉडरेट है ठीक ठाक सा लेवल है राइट एवरेज मॉडरेट है यानी एवरेज है तो यहाँ पे इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं अब हमारा वर्ड एक ही बचता है इग्नाइट तो या तो इग्नाइट इसका सिनोनिम होगा या फिर क्वेंचस का सिनोनिम होगा लेट सी इंसिनरेट क्या होता है इंसिनरेट का मीनिंग होता है इंसिनरेट का मीनिंग होता है बर्न और बर्न का मीनिंग होता है इग्नाइट बर्न करना यानी इग्नाइट करना यानी आग जला देना राइट यानी इनफ्लेम कर देना आग लगा देना इनफ्लेम कर देना किंडल कर देना आग लगा देना ये सब वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स होते हैं राइट अब इग्नाइट है

द ओनली वे यू मोटिवेट मी आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो आप लोग अपना प्यार मुझे देते हो आप मुझे सपोर्ट देते हो दैट इज ओनली वे आई कैन सी और हाँ अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज 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 कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें मुझे लगता है जितने क्वेश्चन है उतने कमेंट्स तो आज आ ही जाने चाहिए तो आप लोग प्लीज ऐसा करें कि कमेंट बॉक्स में अभी से स्टार्ट कर दे अपने तरफ से जो लिखना हो जरूर लिखे चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर 55 55 पे क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा न्यूट्रिशियस अगर कोई चीज न्यूट्रिशियस है तो कैसी है ऑब्वियसली इसका राइट आंसर नरिशिंग होगा नरिशिंग है न्यूट्रिशियस है हेल्पफुल है राइट ये हो जाएगा इन सबस्टेंशियल सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट होता है ता, ताकतवर होता है यानी जिसमें पावर नहीं है पावरलेस है यानी जिसमें इंपॉर्टेंस नहीं है जो अनइंपॉर्टेंट है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वीक है पावरलेस अनसबस्टेंशियल राइट एक्सेप्शनल यानी एक्सेप्शनलरी सुपरलेटिव यानी सुपीरियर सबसे अच्छा राइट द बेस्ट

ट्रांजाइंट क्या होता है ट्रांजाइंड होता है that is short -lived, है ना जिसकी लाइफ कैसी हो शॉर्ट लिव्ड हो है ना छोटी लाइफ वाला यानी टेम्पोर कैसा हो temporary हो यानी कि अभी चल रहा है बाद में नहीं होगा राइट यही होता है ब्रीफ है जो है ना कैसा है शॉर्ट है ब्रीफ है अभी चल रहा है बाद में नहीं होगा ट्रांजाइंड है temporary है, right? इसको हम लोग मोमेंट्री भी बोल सकते हैं मोमेंट्री है ओके okay, अब और वर्ड्स को देख लेते हैं पहले फिर देखेंगे लेसर लेसर रेट रेट का बताना है आप लोगों को वट इज लेसर रेट लेसर रेट है तो कोई कट लग गया है लेसर रेट इज अ कट इट इज अ गैप इट इज अ गैप आया था अभी है ना ग्रैश या गैश हा गैश आया था अभी एक वर्ड गैश आया था गैप आया था कट आया था मैंने बताया था एफिमरल है या एफ यापिचुअल क्या होता है दैट इज है तो कंटिन्यूस है लॉन्ग लास्टिंग है जस्ट ऑपोजिट हो गया ये लॉन्ग लास्टिंग है लगातार चलने वाला अच्छा एंड भी यही होता है लगातार चलने वाला यानी लगातार चलने वाला कंटिन्यूस एंडलेस इनको और क्या बोल सकते हैं एंडलेस बोल सकते हैं लिमिटलेस बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं इमोटल बोल सकते बहुत सारे वर्ड आएंगे इनके जो हम लोग बोल सकते हैं राइट पर यहाँ पे हम सारे नहीं पढ़ेंगे बस हमें पता है ये ये सारे आपस में में ये इसका सुनानिम में और ये जो यहाँ पे लिखे हुए ये सब इनके है में, एक साथ हो जाते हैं जब हम लोग वो को पढ़ते हैं इसलिए मैंने बोला जब सुनानिम करो सिर्फ सुनानिम करो एंटेनिम अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे चाहो तो नीचे साथ में एंटेनिम भी लिखते रहा करो चलिए फिफ्टी सिक्स पे खत्म हो गए पे चलते हैं ये रहा फिफ्टी सेवन अगर कोई व्यक्ति मेट्रोपॉलिटन है तो कैसा है क्या वो आइजलिक है क्या वो बिकॉलिक है क्या वो आर्किटाइन है क्या वो अर्बेन है बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि अर्बेन के अलावा जितने भी शब्द हैं ये आपस में सिनोनिम्स हैं आपस में ये सब कैसे हैं सिनोनिम है। देखिए मेट्रोपॉलिटन अगर पर्सन है तो वो कैसा है मेट्रोपॉलिटन है यानी कि वो कैसा है ग्रेसफुल है ठीक है Graceful है, अभी मैं बता देती हूँ इसको हम लोग कैसे बनेंगे सिविलाइज है ठीक है अब ध्यान आ जाएगा आपको, ये हो हो गया, civilized हो गया, तो sophisticated हो गया, ठीक है, 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 तो sophisticated तो जेंटिल तो वर्ड आया था अभी पहले है ना तो जेंटील हो गया सोफिस्टिकेटेड हो गया और क्या हो गया जेंटिल हो गया अरबेन हो गया राइट अरबेन हो गया ग्रेशियस बोल दिया मैंने ग्रेसफुल लिखा गया और क्या हो गया ग्रेसियस हो गया तो और कैसा हो गया एलिगेंट uh, हो गया राइट right? एलिगेंट हो गया और कैसा हो गया कुछ वर्ड्स और होंगे जो मैं बोल रही हूं जो बहुत ज्यादा यूज आते हैं रिफाइंड हाँ रिफाइंड जो वर्ड है इसका सिनोनिम होता है रिफाइंड ठीक है कल्चर्ड इसका सिनोनिम होता है मैनर्ड इसका सरा होता है कल्चर्ड मैंने नहीं लिखा है चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये सारे हैं आप अपनी तरफ से ऐड भी करते रहिए गाइस अब यहाँ पे आइडियोलिक अगर कोई पर्सन आर्डियोलिक है आर्केडियन है ब्यूकॉलिक है यानी कि कैसा है अनसिविलाइज है अनसिविलाइज है अनसिविलाइज है, अन है, अन है यानी कि बहुत ही सीधा साधा हम इसको बोल सकते हैं सीधा साधा बोल सकते वैसे आइडियोलिक क्या होता है परफेक्ट भी होता है वंडरफुल भी होता है लेकिन इस सेंस में अगर लिखा हुआ है इनके साथ आ रहा है तो अनसिविलाइज्ड है मैनर्ड है ग्रेसलेस है इल कल्चर्ड है ये सारे वर्ड्स इसके सुनानी में होंगे तो ये सारे आपस में सुनानी में और मेट्रोपोलिटन ग्रेसफुल सिविलाइज जेंटिल ग्रेशियस एलिगेंट रिफाइंड कल्चर्ड मेट्रोपोलिटन और ये सारे वर्ड्स

क्लैस्प करना आया था अभी अगर आपने क्लैस्प कर लिया तो आपने क्या कर लिया आपने कैच कर लिया ठीक है होल्ड कर लिया आया था ना अभी कैच कर लिया होल्ड कर लिया ग्रेस्प कर लिया कोई वर्ड दिख रहा है यहाँ पर ग्रेस्प कर लिया होल्ड कर लिया तो आपने क्या बना लिया उससे क्या बना लिया ग्रिप बना ली उसकी तो ग्रिप इसका राइट right आंसर हो जाएगा दोनों सुनानी में हो गए कम्यूट वैसे तो कम्यूट होता है ट्रांसपोर्ट का साधन लेकिन कम्यूट एक वर्ड भी होता है कम्यूट एक वर्ड होता है वर्ड होता है जिसका हमें सुनानी में बहुत सारे आते हैं कम्यूट करना यानी रिड्यूस करना रिड्यूस करना यानी लेसन करना लेसन करना यानी वीकन करना वीकन करना समझ में आ रहा है रिड्यूस कर दिया वीकन कर दिया लेसन कर दिया शॉर्टन कर दिया ये सब आपस में सिनोनिम हो गए डिमिनिश कर दिया डिक्रीज कर दिया वो सब आ जाएंगे यहाँ पर अब आता है नेक्स्ट वर्ड क्लीमेंसी व्हाट इज क्लीमेंसी क्लीमेंसी इज जस्ट ऑपोजिट टू क्रुएल्टी क्लीमेंसी यानी mercy mercy यानी दया दया है mercy है pity है humanity है राइट right? मानवता ठीक है ये सारे इसके होंगे ओके okay. अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड वर्ड जो हमारा है, वो क्या है? Aquital. Aquital से बना हुआ है अगर किसी को दिया रिलीज कर दिया, तो दिया? दिया गुनाह से उसको आजाद कर दिया फ्री कर दिया एक्ट कर दिया ध्यान आ गया येट ध्यान है एक्सोनरेटेड एडजेक्टिव बनेगा इसका एक्टेड रिलीज फ्री क्लियर राइट ऑन एब्जोल्व एक और वर्ड एब्सोल्व कहां लिखो यहीं लिख देती हूं एब्जोल्व नोट करिएगा राइट ये सारे वर्ड्स अक्विटल के सुनाने में तो वाइज बहुत डिफिकल्ट है कि आप एक साथ सारे वर्ड्स करो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा 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 करके अभी साथ में टेस्ट दे दीजिए लेकिन थोड़ा 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 करके देखिए जिसमें हर वर्ड आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए राइट इसी के साथ 58 हमने कर लिया अब हम चलते हैं 59, 59 59 59 पर करना कौन्स्पिरेसी करना क्या होता है अगर आप कॉन्स्पेरे कर रहे हैं तो क्या करें कुछ ना कुछ चल रहा है क्या चल रहा है मन में कुछ ना कुछ चल रहा है लोग कॉन्स्पेरे करते हैं यानी आपस में क्या करते हैं प्लॉट करते हैं प्लॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्पेरे करना यानी प्लॉट करना प्लॉट करना प्लॉय करना प्लॉट करना प्लॉय करना प्लान बनाना स्कीम बनाना ठीक है षड्यंत्र प्लॉय करना ट्रिक करना स्कीम uh, बनाना इंट्रीग उलझा देना यही तो होता है राइट अब एक वर्ड है फाइडेलिटी ये क्या है यानी ऑनेस्टी होता है अब ऑनेस्टी होता है और क्या हो जाएगा लॉयल्टी लॉयल है ऑनेस्ट है है ना सिंसारिटी ये सारे ओबीडियंस ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे लिख देती हूँ मैं एक दो और सिंसारिटी और ओबीडियंस अब जो नेक्स्ट वर्ड बचता है हर वर्ड मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए आर्डर और जील। व्हाट इज ऑर्डर आर्डर इज जील इट आर्डर है फर्वेंट है एंथजिया है एंथुजियाज्म सॉरी

एक अलग तरीके का लोगों के अंदर फायर फायर है, है है है? ना? तो यानी कि क्या है? वो बहुत अच्छे से लर्न हो राइट इसी के साथ फिफ्टी नाइन यहाँ पे खत्म होता है सेशन अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करिएगा पहली बार मुझे देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब करे ना जाए क्योंकि वीडियो के साथ बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो हैं सिर्फ आपके लिए राइट right? इसी के साथ चलते हैं अगले वर्ड पे अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज डायर व्हाट इज डायर डायर सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन ग्रेव सिचुएशन है ना ग्रेव सिचुएशन डायर सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन सीरियस सिचुएशन सीवियर सिचुएशन राइट तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए सीवियर और ट्राइवल क्या होता अनइंपॉर्टेंट समथिंग व्हिच इज अनइंपॉर्टेंट कुछ ऐसा जो अन है जो अननेसेसरी है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है जिसको फॉलो करना ना करना आपके मर्जी पे डिपेंड करता है right? राइट तो ट्राइवल यानी अन इम्पॉर्टेंट बेबात का बेतुका, सेंसलेस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग समथिंग विच हैज नो सेंस विच हैज इज सेंसलेस विच हैज which is meaningless which is silly उसको भी बोल सकते हैं सेंसलेस है सिली है रेडिक्यूल है ट्रैवल है ये सारे वर्ड जा सकते हैं काम है अगर काम कोई वर्ड है तो काम है यानी पीस ठीक है क्वाइट ये सारे समानार्थी होते हैं माइल्ड भी यही होता है काम है, पीस है, माइल्ड है डायर का आंसर आ ही गया डायर है यानी क्या हो गया क्रिटिकल है कई बार क्या होता है टेरिबल है terrible situation, awful situation, dire situation, critical situation और कुछ ऐसा जिसमें डर लगे उसको भी dire situation बोलते हैं तो horrible भी बोल सकते हैं हम इसको horrible situation, terrible situation, frightful situation, right? frightful जिसमें डर लगे right? ये सब तो right answer हमारा ये होगा dire, critical, डायर यानी फ्राइटफुल होगा लेकिन क्रिटिकल यानी फ्राइटफुल नहीं होगा इसलिए मैंने अलग से क्रिटिकल डायर राइट और डायर को हम हॉरेबल से फ्राइटफुल से अट्रोशियस से भी जोड़ सकते हैं राइट यहाँ पे हमारे वर्ड सिक्सटी खत्म होते हैं काफी लंबा है और बहुत लंबा चलने वाला है बस आप लोगों को बने रहना इस तरह से मेरे साथ आई देखते हैं इसी के साथ वर्ड नंबर सिक्सटी नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है इनकर्जन इनकर्जन क्या होता है जनरल वर्ड है बहुत बार मतलब हमने सिनोनिम बहुत बार पढ़ रखे हो सकता है ये वर्ड पर्टिकुलर ना आता हो इनकर्जन यानी क्या होता है इनकर्जन यानी होता है अटैक करना अटैक करना यानी किसी पे हमला करना ओके okay? अटैक करना असोल्ट कर दिया या कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम इसको अटैक की जगह फाइट भी बोल सकते हैं ओके okay? अब हमें क्या करना है सिनोनिम ढूंढना है इसका हर्ट करना यानी किसी को नुकसान पहुंचाना रिट्रीट करना यानी गो बैक होता है रिट्रीट गो बैक होता है फिर से चले जाना पुनः रीस्टार्ट रिट्रीट ऐसे वर्ड्स हैं. ओके okay. और नेक्स्ट वर्ड है कट कट का वर्ड जो है ये दो तीन बार आ चुका है कट करना यानी गैश हो ना आया था पहले गैश है कट करना यानी कि या स्क्रैच हो सकता है या वुंड हो सकता है राइट right. तो गैश है स्क्रैच है हार्म है डैमेज है राइट सेम या हर्ट करना भी सेम हो जाएगा हर्ट और हर्ट uh, करना यानी किसी को इंजर करना होता है या नुकसान पहुंचाना होता है कट करना भी इंजर करना नुकसान पहुंचाना हो सकता है इंजर ओके ऑलमोस्ट रिट्रीट जो है गो बैक होता है अग्रेशन वग्रेशन अग्रेशन यानी होता है लड़ाई वैसे देखो अग्रेशन जो है ये नाउन है अग्रेशन है अगर आप में तो आपके अंदर खूब ज्यादा आपका खून बहुत गर्म है आपकी बहुत सारे लोगों से दुश्मनी है आप में एक तो अग्रेशन होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीलिंग या एक्स्ट्रा ओवरवेलमिंग फीलिंग है ना और एक्स्ट्रा फीलिंग यानी ओवर एक्साइटमेंट है तो ओवर ओवरवेलमिंग हो गया अगर आप में ओवर दुश्मनी है ओवर लड़ाई वाली फीलिंग है इल फीलिंग है तो हॉस्टिलिटी हो गया तो हॉस्टिलिटी अग्रेसिवनेस अग्रेशन होता है हॉस्टिलिटी दुश्मनी अटैक फॉल्ट असॉल्ट दुश्मनी लड़ाई बेलिजैर एक वर्ड होता है बेलीजैर बेलीजैर एक वर्ड होता है बेली का मतलब ही होता है लड़ाई है ना बैली का मतलब खूब ताकतवाल जो बहुत लड़ने में एक्सपर्ट है बेलीजर तो है तो वो कैसा है उसमें बेलीजर है यानी कि वो एक्सपोर्ट है लड़ने में इंकर्जन बहुत ज्यादा है फाइट वाला अटैक करने में अग्रेशन तो होगा और हार्ट और इंजर्ड जो है और स्कट है स्क्रैच है आया था लेसरेशन एक वर्ड आया था शायद मुझे याद आ रहा या है लेसरेशन या ना तो ये भी यहाँ पे हो सकता है कट लेसरेट करना और आ, लेसर रेट करना राइट तो ये इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा इनकर्जेंट होगा जिसका राइट आंसर सनानिम एक्सग्रेशन है राइट चलिए हाँ पे खत्म होता है 62 पे अब लोग आते। Guys, तो लाइक जरूर करिएगा और जैसा कि मैंने बोला स्टे वाला सेशन वाला, वाला, वाला है बिल्कुल जल्दी मत मचाइए ठीक है एक एक वर्ड के मैं बहुत सारे आप लोगों को आप भी वर्ड्स को नोट को, करते हुए चलिए जरा सा क्या होगा सेशन जरूर लंबा होगा लेकिन हमारे लिए फ्रूटफुल होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा जितना आराम आराम से 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 आप इसको करते तो एक -एक हैं से से कर हैं तो खूब करिए अच्छे पढ़िए एक-एक शब्द को जानिए राइट अगले अगले वर्ड वर्ड पे पे चलते लेकिन चलने होना चाहिए आपको कितना आता है ठीक है दूसरी बार तो आप इसको पढ़ने के दीजिएगा पढ़िएगा हर वर्ड जो है वो आप लोगों को समझ में जहां पे आप वोकेबलरी को अपने एनहस करेंगे एनरिच करेंगे इम्बाइव करेंगे जानेंगे ओके okay? हर वर्ड आपको आना चाहिए तो ये आपका दूसरा वाला टास्क होगा जहां पे आप सदारंस को एक्चुअल में पढ़ेंगे और तीसरा टास्क होगा

पक जाना अगर एक पर्सन राइपन हो जाता है अगर एक पर्सन मेच्योर हो जाता है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना और अगर एक फ्रूट मेच्योर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है राइपन हो जाता है पक जाता है राइट तो वो हो गया मेच्योरिटी स्टैगनेट अगर कोई पर्सन है तो वो कैसा है स्टेगनेट है यानी जिद्दी है स्टेग्नेट है यानी जिद्दी है जिद्दी है तो फिक्स है ठीक है फर्म है फिक्स है और नॉन uh, फ्लैक्सिबल है और स्टबर्न है इसको हम लोग बदल नहीं सकते इस पर्सन को स्टबन है रिजिड है फिक्स्ड है और स्टेगनेटेड है Smell आना यानी एक होता है अरोमा बोलते हैं अच्छी महक है तो हम उसको fragrance बोलते है, अरोमा बोलते हैं हैं खुशबू बोलते हैं ओके डिके यानी सड़ना होता है रॉटन स्टेल या डिकेड तो थर्ड फॉर्म डिकेड का रॉटन सिनोनिम होगा और यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो रॉट स्टेल डिके इसका सिनोनिम होगा राइट right आंसर हमारा टू का फोर्थ ही होगा इसी के साथ अब हम चलते हैं वर्ड नंबर सिक्सटी थ्री पे तो क्या नेक्स्ट वर्ड हमारा ब्रिसल जो है ब्रिसल का मतलब क्या होता है ब्रिसल एकदम जो हमारा मुझे ऐसा याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो जो नाइसल पाउडर है उसका ऐड आता था उसमें ना प्रिकल और ब्रिसल वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था प्रिकल है यानी प्रिकली हीट आता है उसमें लिखा हुआ प्रिकली हीट यानी कि चुभने वाली गर्मी से बचाने वाला प्रिकल यानी क्या होता है कुछ ऐसा जो चुभे ब्रिसल यानी क्या होता है कुछ ऐसा जो चुभे राइट इसी तरीके से स्पाइन कुछ ऐसा जो चुभे राइट स्पाइन एकदम चुभने वाला क्विल जो होता है उसको क्या कहते हैं चुभने वाला तो राइट आंसर यहाँ पे प्रिकल है चुभने वाला ब्रिसल है चुभने वाला स्पाइन है चुभने वाला क्विल है चुभने वाला यानी ब्रिसल यानी क्या हुआ कांटा ठीक है चुभने वाला तो थॉर्न यानी क्या होता है कांटा राइट सिनोनिम है आंसर हो जाएगा ट्रैंक्वाइल अगर कोई चीज ट्रैंक्वाइल है तो कैसी है काम है शांत है पीस है शांति ठीक है ना ट्रैंक्ल है यानी पीस है काम है एक और वर्ड हो सकता है क्वाइट है ना क्वाइट है यानी कि पीसफुल है शांति वाला फ्रिक्शन यानी क्या होता है जस्ट ऑपोजिट है एक तरफ शांति है एक तरफ फ्रिक्शन है फ्रिक्शन हो रहा है तो आपका डिसएग्रीमेंट हो रहा है डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो आप डिस्कॉर्ड है डिस्कॉर्ड यानी कोई अग्रीमेंट नहीं है लड़ाई है यूनिटी नहीं है यानी अनहार्मनी ठीक है अनहार्मनी है यानी कि अनहार्मनी यानी कोई सिमिलैरिटी या डिसहार्मनी इसको हम बोल सकते हैं अनहार्मनी या डिसहमनी डिसयूनिटी राइट डिसयूनिटी है और कॉन्फ्लिक्ट है ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिसयूनिटी है कॉन्फ्लिक्ट है, राइट स्लीक अगर कोई चीज बिल्कुल स्लीक सी है तो स्लीक सा है यानी कि एलिगेंस सा है एलिगेंट है स्लीक है स्लीक के बहुत सारे सरने होते हैं एलिगेंट है स्लीक है शाइनी है एकदम चमकदार, एकदम 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 ब्राइट, ब्यूटीफुल, यू नो कैची सा है मैंने एलिगेंट लिख दिया कैची में लिख देती हूँ स्लीक सा कैची सा एलिगेंट सा, शाइनी सा लस्टरस लस्ट्रस शाइन के लिए भी यूज किया जाता तो है तो लस्टरस है शाइनी है ग्लीमी है एकदम राइट स्मूथ सा है स्लीक फोन्स आते हैं बिल्कुल स्मूथ से एलिगेंट से अट्रैक्टिव से चार्मिंग से ग्लॉसी से शाइनिंग से राइट right? तो ये सारे वर्ड स्लीक so के केनानिम हो जाएंगे थॉर्न ब्रिसल प्रिकल स्पाइन क्विल क्विन काम पीस होता है बहुत आसान सा वर्ड हो गया है जैसे ही हम इसके स्नानिम जानते हैं अगर आपको वर्ड नहीं आता है तो वर्ड के सनानिम्स को नोट करते हुए चलिए और अब चलते हैं अगले वर्ड पे अगला जो हमारा 63 थ्री यहाँ पे खत्म होता है अब आते हैं 64 पे कंफ्यूज हमारा वर्ड है कंफ्यूज है अगर आप तो कैसे हैं अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगर कई बार हम कंफ्यूज होते हैं यानी परप्लैक्स्ड होते हैं यानी कंफ्यूज होते हैं परप्लैक्स्ड होते हैं यानी कि केओटिक केओटिक सिचुएशन यानी जहां पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है केओटिक सिचुएशन कई बार कंफ्यूज को डिसऑर्डर कह देते हैं ठीक है डिसऑर्डर यानी कुछ भी सिंक नहीं है अन अनमैनेज्ड चीजें है ना या अनमैनेजेबल कंफ्यूजिंग वा सिचुएशन अनमैनेजेबल अनसिंक्रोनाइज और डिस्गस्टिंग भी बोल सकते हैं बहुत ही रॉटन सा बहुत ही अजीब सा अगर क्योटिक सा एनवायरमेंट है तो डिसऑर्डर है ओके okay, ओकेट क्या होता है एक्सप्लेन करना बहुत साधारण से लैंग्वेज में अगर आप किसी चीज को समझा देते हैं तो उसको कहते हैं एक्सप्लेन करना परप्लेक्स यानी कंफ्यूजन होता ही है तो ये इसका सनन ही मुझे मिक्स है यानी मिंगल है यानी मिला हुआ है डाइवर्ट करना यानी किसी को डेविएट कर देना रास्ते से भटका

अगर किसी चीज का कोई बैकबोन है जैसे कि किसी पर्सन यू आर द बैकबोन ऑफ द कंपनी यानी यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप कंपनी के लिए राइट और अगर हम बोले ये जो बुक uh, है ये बुक है इसका पूरा जो मेन बेसिस है वो इस बुक पे आधार है तो बुक क्या हो हो गई गई बेसिस यानी आधारित है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन है ना बहुत ज्यादा कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है बेसिस है तो उसको हम लोग स्पाइन कहते हैं राइट फाउंडेशन भी बोल सकते हैं कि इसी पे सब कुछ आधारित है यही हमारा फाउंडेशन है यही हमारा बेसिस यही हमारा स्पाइन है जब तक आप मेरे फाउंडेशन क्लासेस नहीं लोगे तब तक आपको चीजें कम समझ में आती रहेंगी बोलती हूँ फाउंडेशन इज बेस बेस इज आधार और वही हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जब तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड मजबूत नहीं होगा तब तक हम मजबूती से काम नहीं कर पाएंगे ये हो गया सप, सपल है Bertibre है, Bertibre है, Bertibre से याद आ जाएगा आपको एक वर्ड वर्टिब्रेट भी होता है तो ये हमारा इसी सिनोनिम हो जाएगा राइट अब वर्ड है सपल अगर कोई चीज सपल है क्विक जैसे मेरे को सबसे पहले सपल से याद आता है स्कूल स्कुरल है सपल होती है कैसी होती है सपल है यानी कि क्विक है स्कुरल कैसी है क्विक है फास्ट है राइट right? स्पीडी है है फ्लैक्सिबल कितने जितना सॉफ्ट सी सी एकदम फ्लैक्सिबल चेंजेबल है मोल्डेबल है राइट right? तो इसको बोलते हैं ग्रेसफुल है, अच्छी सी भी लगती है राइट right? तो ये इसका राइट right आंसर हमारा हो ही गया अब कोई चीज अगर रोटेंड है तो कैसा है रोटेंड वैसे राउंड के लिए होता है है ना rotund क्या होता राउंड सा जैसे गुम्बद को रोटेंड कहा जाता है गुम्बद रोटेंड राइट सा राउंड पर के लिए भी आता है राइट right? पर्सन के लिए आता है तो पर्सन कैसा है रोटेंड है अगर कोई पर्सन तो वो कैसा है फैट है या फिर स्टाउट है फैट है यानी स्टाउट है यानी गोल सा फैट है स्टाउट है चबी है ओके okay? यानी बहुत ज्यादा उसमें फैट uh, है तो चबी है स्टाउट है गोल सा है उसको हम बोलते हैं और ओवरवेट हैवी के लिए भी यह शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है और लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है ग्राइम अगर कोई चीज ग्राइम है या ग्राइम किसका सुनाने में ग्राइम का मतलब क्या होता है समथिंग विच इजटाइडी ओके ऐसा होता है ग्राइम यानी डर्ट डस्ट, डस्ट डर्ट है, है, एक डी हो गया या फिर फिल्दी होता है ना तो फिल्द कह सकते हैं right? है, कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप हर चीज को आराम से पढ़ सके समझ सके राइट right? तो यहाँ पे हमारा पहला 65 क्वेश्चंस अब हमारे खत्म हो गए मैं आपको फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगी थ्री हंड्रेड एंड क्वेश्चन है

परषड़ है परष करना यानी क्या ये इवैक्यूएट करना या प्रेशराइज करना या ट्रस्ट करना क्या होगा देखो परष करना क्या होता है परष करना होता है किसी को अपने आप से अलग कर देना ठीक है अलग कर दिया अगर आपने किसी को तो क्या कर दिया आपने उसको रिमूव कर दिया हटा दिया राइट रिमूव कर दिया या एक्सक्लूड कर दिया अलग कर दिया आपने रिमूव कर दिया आपने एक्सक्लूड कर दिया राइट आपने क्या कर दिया ट कर दिया रिमूव करना, करनाट करना होता है राइट? Right. इेट कर दिया ओके, okay. तो और uh, कर दिया, रिमूव कर दिया डिलीट बोल सकते हैं, राइट right. तो डिलीट कर दिया रिमूव कर दिया इरेडिकेट कर दिया uh, आपने उसको डिसमिस कर दिया डिसमिस कर दिया यानी हटा दिया यू गेट रेड ऑफ समथिंग गेट रेड ऑफ समथिंग पीछा छुटाना हटाना किसी चीज को है ना गेट रेड ऑफ समथिंग ये है. मैं बता क्यों रही हूँ क्योंकि हमें ये वर्ड रिलेट करने हैं अभी है ना

ठीक है क्लियर आउट कर देना वाइप आउट कर देना इराडिकेट करना ऑब्लिटरेट करना एनिलेट करना ये सारे वर्ड्स एनिलेट नहीं ऑब्लिटरेट uh, करना इराडिकेट करनाट करना डिस्ट्रॉय करना पर्ज कर देना राइट अब आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रेशराइज अगर हम प्रेशराइज करते हैं तो क्या करते हैं थ्रस्ट करते हैं ये दोनों सनाने में व्हाट इज प्रेशराइज प्रेशराइज करना यानी किसी को फोर्स करना है ना दबाव डालना फोर्स करना पुश करना राइट ड्राइव करना क्या होता है किसी को ड्राइव कर दिया आपने तो यहाँ पे उसको फोर्स कर दिया कि वो उस काम को करे इम्पल्स कर देना यानी कि प्रेशराइज कर देना ये सब सुनने यहाँ पे अब ये फ्लोट अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है यानी वो उस लेवल पे वाटर में जनरली आता है वाटर के लिए या फिर कभी कभी एयर में हवा में उड़ना या पानी पे के तह पे सतह पे चलते रहना मूव ऑन होवर होवर होता है क्या मक्खियां भिन्न भिना रही तो होवर कर रही है भिन्मिनारा ऊपर ही ऊपर रहना राइट तह पे

क्योंकि हंड्रेड एंड एटी क्वेश्चन सेवेंटी क्वेश्चन है ना तो एक बार में में तो एक नहीं दिन का टास्क दे अपने आपको, पर में आपको को, पर दिनों आपको वर्ड्स पूरा कर लेना कंपाइल कर लेना, इस तरीके से करे, राइट? क्या होता है ग्राउंड पे ही है ठीक है ग्राउंड पे यानी अशोर ठीक है ग्राउंड समझ में आ रहा है ग्राउंड पे है यानी ऑन द ग्राउंड है आ ग्राउंड यानी ऑन द ग्राउंड ठीक है शोर को मैंने आ शोर लिख दिया यानी कि ऑन द शोर समझ में आ गया राइट ऑन द शोर है यानी बीच पे ही है बीच बीच beach पे ही है शोर पे ही है ग्राउंड में ही है नॉट इन वॉटर अ फ्लोट इसका जस्ट ऑपोजिट इन द वॉटर और आ, होवर अभी आया था होवर स्लोली बहुत आराम आराम से धीरे-धीरे से ठीक है हायर एनी ऊपर है है ना हायर एनी ऊपर है और बॉय अगर कोई पर्सन बॉय होता है तो वो कैसा पर्सन है हैप्पी पर्सन है है ना खुश पर्सन है हैप्पी पर्सन है फ्रेंडली पर्सन है राइट और कैसा है हैपनिंग सा पर्सन है मिलनसार है है ना यानी एमीएबल एमीकेबल और सोशल और अफेबल और फ्रेंडली और हैपनिंग और और बॉयेंट सारे सारे इसके बहुत सिनोनिम होते हैं पर मैं बहुत सारे यहां नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये वर्ड हम लोग बहुत बहुत बार अपने पेपर्स में भी पढ़ चुके हैं राइट तो इसके सिनोनिम्स आपको आते होंगे नहीं आते हैं तो अभी आगे अगर कोई वर्ड होगा तो वहां पर हम लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी अग्राउंड को पढ़ना जरूरी है अग्राउंड है यानी ग्राउंड पर ही अग्राउंड है यानी कि अशोर्ड है यानी शोर पे है किनारे पे है बीच पे है इसी का ही एक और वर्ड होता है स्टैंडर्ड यानी किनारे पे होना बीच पे ना ऑन द ग्राउंड होना हाई यानी ऊंचा होना फ्लोट यानी पानी में ऊपर तह पे तैरना और अब बॉयंट अलग वर्ड है तो राइट आंसर हमारा 61 का 7 का क्या होगा 1 होगा अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे डिक्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कहूंगी मैं क्योंकि बहुत बार आता है ये एग्जाम में है ना और डिक्री करना क्या होता है वैसे डिक्री करना गिव भी होता है राइट पर यहाँ पे गिव नहीं है तो यहाँ पे लॉ है यहाँ पे लॉ है यहाँ पे टाइटल है यहाँ पे अवार्ड है और यहाँ पे सर्टिफिकेट है राइट right? जैसा कि ये सारे वर्ड्स हैं इस तरीके से क्या लग रहा है कि किसी चीज को देने की बात है तो सर्टिफिकेट किया जाना टाइटल किया जाना अवार्ड किया जाना या लॉ किया जाना तो डिक्री क्या होता है डिक्री इज एन ऑफिशियल ऑर्डर टू गिव एन ऑफिशियल ऑर्डर ऑफिशियल ऑर्डर एक जैसे शब्द है ना इसलिए मैं अलग से बता रही हूँ कि ये क्या होता है टू गिव एन ऑफिशियल ऑर्डर बाय द फोर्स ऑफ द लॉ ठीक है दैट हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ मतलब लॉ के यानी कानून के अनुसार दिया गया ऑफिशियल ऑर्डर यानी इट इज अ लॉ इट इज अ रूल डिग्री इज लॉ डिग्री इज रूल बिल भी पास होता है ना बिल गवर्नमेंट बिल पास करती है ओबिडेंस सॉरी ऑर्डिनेंस लाती है ऑर्डिनेंस लाती है ऑर्डिनेंस क्या होता है ऑर्डिनेंस भी कानून होता है ऑर्डिनेंस भी लॉ होता है ऑर्डिनेंस भी रूल होता है ऑर्डिनेंस भी बिल होता है तो डिक्री इज लॉ रूल बिल ऑर्डिनेंस है ना और कई बार एक्ट भी कहा जाता है इस एक्ट के तहत इस कानून के तहत इस लॉ के तहत इस नियम के तहत राइट तो नियम कानून लॉ इन सबको क्या कहते हैं इन सबको डिक्री कहते हैं और डिक्री का सनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉ बाकी कोई वर्ड ऐसा नहीं मुझे लगता है जिसको समझाने की जरूरत है तो हमारा एट यहाँ पे खत्म होता है अब हम आते हैं 69 पे 69 क्या है ग्राइप ये वर्ड हमारे सामने बहुत बार आ चुका है अभी तक ग्राइप करना यानि करना यानी यानी गैप कर लेना पकड़ लेना एकदम टाइटली तो ग्रीव ग्रीव यानी क्या होता है दुख मनाना होता है ना ग्रीव यानी सिचुएशन है ना और फ्लैटर यानी चापलूसी करना अब होल्ड करना क्या होता है होल्ड करना रुकना भी हो

या कोई चीज है अगर वो स्टंपी है ये सारे अगर स्टम्पी है तो वो कैसा है शॉर्ट है ठीक है छोटा है? है पर थिक है स्टबी है और अगर रेंजी है रैंजी है, रैंजी है एक, वर्ड, एक वर्ड एक वर्ड लैंगी है एक वर्ड लॉफ्टी है लैंकी है लॉफ्टी है रेंजी है इन तीनों का मतलब एक बस हम पजी को यहां पे रख देते हैं पी यू डी जी वाई पजी अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो इसको एक बार काट के ये सारे जो वर्ड में समझ लीजिएगा ध्यान ध्यान से बहुत ध्यान से बहुत ठीक है अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग है टॉल है है ना टॉल है तो उसको हम लोग लॉन्ग कहते हैं ठीक है टॉल है लॉन्ग है तो वो रेंजी है वो लेंगी है वो लॉफ्टी है वो स्लिम है वो लीन है राइट

फैट है चबी है यानी छोटा है और मोटा है राइट प्लमपिश रोटन वर्ड आया था ना मैंने बोलता रोटन वर्ड कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा ही गोल मटोल हो राउंड है रोटन है रोटन यही सुनाने में देखो आ गए ना वापस इसी तरीके से रिपीट होंगे हमें क्या करना है बस अपने वर्ड्स पे कमांड रखना है प्लम्पिश हाँ एक वर्ड मैंने अभी बोला था प्लम्पिश है प्लम्पिश है यानी बड़ा ही चबी सा पर्सन है सॉफ्ट सा हेल्दी सा तो उसको हम लोग ये वर्ड्स बोल सकते तो स्टम्पी इसी का सुनाने में पजी इसी का में और पजी स्टंप ये सारे वर्ड में और यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो इनके में राइट इस तरीके से हमें को नोट है ताकि आपके लिए बनाया तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा अगर आप इसको वैसे ही देखेंगे आइए इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे हमारा जो सेवेंटी हो गया है इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे सेवेंटी वन पे दिस इज शीत क्या होता है ऑप्शन देखिए कोट

शीट होता है जिसे एनवेलप uh, होता है एनवेलप यानी क्या होता है वैसे तो एनवेलप होता है कवर राइट right? तो एनवेलप करना अगर वव आ गया तो एनवेलप करना यानी क्या हो गया कवर करना एनवेलप करना कवर करना केस करना यानी छुपाना चश्मे का केस होता है ना कवर चश्मे का कवर होता है केस होता है और लेटर्स yeah. का एनवेलप होता है तो कवर करना ढकना एनवेलप किसी भी तरीके से मान लो शीट यानी कवर कोट यानी कवर कैंसिल यानी कवर और अनवोला uh, पैनी कवर तो राइट right आंसर हमारा ये होगा हाइड यानी छुपाना होता है और हाइड यानी कवर नहीं होता राइट right? चलिए तो शीत का आंसर क्योंकि कवर है और कोट के दोनों आंसर हो सकते हैं तो राइट right आंसर हमारा कोट होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है जॉनर इस वर्ड को बोलिए मेरे साथ वर्ड इज जॉनर जॉनर क्या होता है जैसे कि जब राइटर्स होते हैं ना वो अलग अलग जॉनर में लिखते हैं इज जॉनर जॉनर यानी होता है डिविजन uh, ठीक है जॉनर जॉनर क्या होता है जैसे कि पोएम्स uh, जो होती है वो डिफरेंट जॉनर की होती है जॉनर की होती है इसका मतलब क्या होता है हैप्पी होती या मेलन कलिक होती है या सैड होती है डिटेस्ट होती, होती है या फिर सेलिब्रेशन होता है तो दैट इज अलग अलग जॉनरा मूवीज होती है थ्रिलर होता है कहीं पे एक्साइटमेंट होता है कहीं लव होता है कहीं ट्रेजेडी होता है तो ये सब क्या होते हैं जॉनरा वॉट इज जॉनरा डिविजन जॉनरा यानी क्लास जॉनरा यानी कैटेगरी ओके तो जॉनरा यानी सेलिब्रिटी नहीं कॉमन मैन नहीं प्लेजेंट या समथिंग समथिंग प्लेजेंट गुड तो कैटेगरी इसका राइट आंसर होगा कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे बताने के लिए सो द राइट आंसर इज कैटेगरी कैटेगरी इज डिविजन डिविजन यानी ग्रुप ओके अब नेक्स्ट वर्ड है रेंडर्स बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में बहुत बार ठीक है और हां हमें आता है लेकिन हम भूल जाते हैं क्यों क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल आ गया तो हम लोग भूल जाते हैं करना क्या होता है गैदर करना क्या होता है गैदर करना यानी इकट्ठा करना राइट अब देखते हैं यहां पे है क्या स्प्लिट यानी डिवाइड करना स्प्लिट करना यानी अलग अलग करना ठीक है डिवाइड करना सेपरेट करना स्प्लिट करना राइट रिफ्ट है अब रिफ्ट क्या होता है रिफ्ट आ चुका है बहुत बार रिफ्ट यानी भी ऐसे क्या होता है स्प्लिट करना होता है और रिफ्ट यानी कट करना भी होता है ब्रीच गैप जो होता है ना अभी आया था पीछे कहीं गैप डिस्पर्सल डिस्पर्स होते तो हम सब क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं टुकड़ों में बढ़ जाते हैं स्कैटर हो जाते हैं बिखर जाते हैं फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं राइट तो डिस्पर्सल फ्रेगमेंट

गैदर करना यानी असंबल करना या असेंबल होना कलेक्ट होना ठीक है का ये का ये का ये राइट? तो ट्राइस दोनों आपको, आपको याद हो. इसी के साथ अब चलते है, 73 हो गया हमारा 74 पे डिफ्यूज अगर हमने किसी को डिफ्यूज कर दिया डिफ्यूज कर दिया यानी क्या कर दिया दो चीजें हो सकती है डिफ्यूज करना राइट एक तो ऑन है हमने उसको ऑफ कर दिया ऑन को ऑफ कर दिया राइट अब देखो इरिटेट करना यानी किसी को क्या करना इरिटेट कर दिया तो अपसेट कर दिया अपसेट कर दिया इरिटेट कर 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 दिया कर दिया right? elevate, elevate कर दिया राइट एलिवेट एलिवेट यानी क्या किसी की प्रॉब्लम को आपने लेसन कर दिया लेसन कर दिया और शॉर्टन कर दिया और कंफर्ट कर दिया ईज कर दिया ठीक है मिटिगेट कर दिया एजिटेट कर दिया अपसेट कर दिया अनॉय कर दिया सेम वर्ड्स हैं अपसेट करना अनॉय करना इरिटेट करना गुस्सा दिला देना राइट right? एजिटेशन होता है इनसाइट करना नहीं, क्या होता है प्रोवोकेशन प्रोवोक कर देना किसी को यानी किसी को क्या करना प्रोवोक करना ने उस सेंस में कि यस yes, इग्नाइट कर देना किसी को प्रोवोक कर देना इग्नाइट कर देना नहीं, बढ़ावा देना यानी कि उकसाना तो प्रोवोक एजिटेट करना यानी किसी को अनॉय कर देना दुखी कर देना परेशान करना अपसेट कर देना एलिवेट यानी मुसीबत को कम करना राइट right? मुसीबत को कम करना डिफ्यूज करना क्या होता है फ्यूज फ्यूज क्या होता है फ्यूज कर दिया अगर आपने तो फ्यूज करें यानी पावर दे दिया उसको और आपने डिफ्यूज कर दिया बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया तो क्या होता है बॉम्ब की समस्या ख़त्म तो आपने उसको क्या कर दिया रिलीव कर दिया ठीक है रिलीव कर दिया और रिलीव कर दिया तो ईस कर दिया होता है यहाँ पे लिखा हुआ ईस कर दिया लेसन कर दिया शॉर्टन कर दिया इसी को हम बोल सकते हैं डिमिनिश कर दिया डिमिनिश कर दिया डिक्रीज कर दिया ये सब इसके सुनाने में डिफ्यूज के एलिवेट के ये सब बहुत सारे हैं

तो क्राउन का मीनिंग जो पहला मीनिंग आता है वो क्या होता है क्राउन का जो सबसे पहला मीनिंग आएगा वो क्या होगा टॉप अब टॉप के synonyms क्या होते हैं? टॉप यानी जीनत ठीक है जीनित हो गया पिनाकल हो गया यानी इससे ऊपर कोई नहीं ठीक है यानी सुप्रीम हो गया होता है ना सुप्रीम कोर्ट क्या होता है सबसे ऊपर इससे ऊपर कोई नहीं टॉप हो गया पिनाकल हो गया पैरामाउंट हो गया ये सब इसके सिनोनिम होते हैं फ्राउन फ्राउन यानी फ्राउनिंग होना यानी गुस्सा होना एंग्री होना फ्राउन का सिनोनिम होता है अपेक्स अपेक्स क्या होता है जीनत अच्छा जीनत मैंने लिख दिया हाँ अपेक्स है यानी सबसे टॉप सबसे ऊपर और नैदर क्या होता है नैदर इनका सुनने में लोएस्ट लोएस्ट सबसे नीचे

चलिए इसी के साथ 75 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है अब हम आते हैं 76 पे प्रीचर है अगर कोई पर्सन प्रीचर है तो प्रीचर है यानी कैसा है यानी कि प्रीच करने वाला है यानी ईश्वर को पूजने वाला है. ध्यान रखिए प्रीचर है यानी ईश्वर को पूजने वाला है दूसरे वर्ड देखिए आथिस्ट जो ईश्वर को नहीं मानते एग्नोस्टिक जो ईश्वर है या नहीं उसमें विश्वास नहीं करते

मिशनरी कौन होते हैं जो ईश्वर की चीजों को आगे पहुंचाने का काम करते हैं प्रीचर कौन होते हैं ईश्वर के संदेश को पहुंचाने वाले है ना जो ये प्रवक्ता होते हैं ईश्वर के उनको बोला जाता है प्रीचर इनको और प्रोपेगैंडिस्ट भी बोल सकते हैं प्रोपोगेंडा करते हैं जो धर्म प्रचार करते हैं धर्म प्रचारक जो हमारा धर्म बहुत अच्छा है ये बताते हैं तो प्रोपेगैंडिस्ट प्रोपेगैंडिस्ट क्या होते हैं जो कि प्रो, प्रो प्रोपेगैंडिस्ट तो प्रोपोगेंडा करना यानी क्या होता है प्रचार करना तो प्रचार प्रसार करने वालों को ही प्रोपोगेंडिस्ट बोला जाता है ये हो गया मिशनरी प्रीचर एक और वर्ड हो सकता है जो थोड़ा सा अलग है कन्वर्टर भी होता है पहले क्या होता था धर्म को कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा ऐसा होता था कि कन्वर्ट करना कन्वर्जन करने के लिए बहुत लोगों को प्रताड़ित करना ये सब पहले होता था कन्वर्टर तो, इसी से आया है अब इसका कोई सेंस नहीं निकलता लेकिन हाँ ये यूज होता है क्योंकि सुनने में आ सकता है इसलिए इसी तरीके से जो लोग अभियान चलाते हैं जो प्रोपोगेंडा फैला देते हैं उसका पूरा तो दैट इज ऑल्सो कैंपेनर होते हैं ना जो लोग उनको भी प्रीचर कहा सकता है कि जो लोग अपनी ही प्रीच करते हैं अपने बारे में अपनी चीजों के बारे में ज्यादा से

बैनिशमेंट बैन ban कर देना किसी को बैन कर, 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 कर दिया राइट बॉयकॉट कर दिया बार कर दिया एक्सक्लूड कर दिया बैनिश कर दिया अच्छा बैनिशमेंट हाँ बैनिश कर दिया राइट और स्ट्रेटेजाइज क्या होता है स्ट्रेटेजाइज करना यानी क्या होता है प्लानिंग प्लान बनाना ठीक है स्कीमिंग करना प्लान बनाना स्ट्रेटेजाइज करना अब यहाँ पे एक वर्ड है स्टेशनरी स्टेशनरी क्या होता है स्टेशनरी स्टेशनिंग का मतलब ही होता है नियुक्ति तो स्टेशनरी स्टेशनरिंग करना यानी कि प्रॉपर यथा स्थान पर मूव uh, uh, करा देना दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट सोल्जर्स के इसमें यूज किया जाता है राइट right? चलिए इसी के साथ 77 खत्म बैंक्वेट बैंक्वेट हॉल्स हमने बहुत सुने हैं तो व्हाट इज बैंक्वेट बैंक्वेट का मतलब होता है सेलिब्रेज सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करना दावत करना पार्टी करना सेलिब्रेशन पार्टी एंजॉयमेंट फन राइट तो फास्ट फीस्ट, वैसिटी और ग्लटनी बहुत रिलेटेडली वर्ड है वरासिटी और ग्लटनी क्या होता है भूखे रहना है ना हंगर हंगर यानी वोरेसिटी वोरेशियस है अगर कोई पर्सन वोरेशियस है तो बहुत हंगरी की तरह उसको मतलब खाना है तो वोरेशियस यानी भूखों की तरह खाता नहीं बहुत ज्यादा जिसको भूख लगती है उसको ग्लटनी कहा जाता है और एक और वर्ड होता है रेवेनस रेवेनस वर्ड क्या होता है सेम वोरेसिटी जैसे रेवेनस तो रेवेनस है अगर किसमें किसी व्यक्ति में रेवेनसनेस है नायून है ना, ना यहाँ पे आई टी वाई लगाओ तो मैं भी नस लगा देती हूँ यानी भूख वाली आदत तो वो रेशियस है वो राशि है वो रेशियसनेस वो रेशियसनेस भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे यानी भूख बहुत ज्यादा भूख है जिसमें ग्रीडी है जो बहुत ज्यादा हगरी है ग्लाटन ही है वो सारे वर्ड जिसमें आएंगे फीस यानी क्या होता है पार्टी करना होता है फीस्ट यानी तो फीस्ट करना पार्टी करना एंजॉय करना आ, डाइन आउट करना या डिनर करना सिंपल ये भी वर्ड लिख सकते हैं डिनर करना एंजॉय करना ये सारे वर्ड इसके सुनानी मे तो सेवेंटी एट यहाँ पे खत्म होता है अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे दैट इज सेवन सेवेंटी नाइन में क्या है टू मून मून करना यानी क्या होता है दुख व्यक्त करना है ना मोन कब करते हैं जनरली हमारे घर में या किसी पर्सन के घर में कब कोई किसी की डेथ हो जाती है तब मोन यानी दुख मरने वाले के, के लिए दुख जो व्यक्त किया जाता है उसको तो दुख व्यक्त करना साय करना होता है टू बीम टू स्मर्क टू सिंपल सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अनकॉमन से हैं ठीक है पर स्मर्क करना क्या होता है हंसना लेकिन ऐसा हंसना नहीं कि लोगों को अच्छा लगे हंसना कैसे स्माइल इन अ सिली वे सिली वे में स्माइल करना दैट इज कॉल स्मर्क ठीक है, करना, करना, स्माइल बीम. अब बीम करना क्या, होता है? बीम क्या होता है घर में बीम होता है ना वाई दिस बीम इज बीम इज देयर फॉर सपोर्ट तो बीम करना अगर आप किसी को बीम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप उसको हेल्प कर रहे हैं राइट right? राइट आप आप उसका साथ दे रहे right? रहे रहे हैं है, आप कर रहे हैं right? तो करना, करना है। Moon, right हैं कर कर फ्रेंड उसको सपोर्ट कोई पर्सन तो कैसा है नोटंगी करने वाला है नखरे करने वाला है आ, और देखो ट्रैंक्ल वर्ड है, है, है ये ट्रेंकुअल वर्ड काम पीस Quiet. Right? Melodramatical, हो गया हर हर बात में melodrama, हर बात में नाटक हर बात में नखरे टेंट्रम्स दिखाना नखरे करना है ना तो ये सारे वर्ड्स अब देखो ये तो हमारा हो गया ड्रामा करना थिएट्रिकल यानी ड्रामेटिक होता है उसी को ड्रामा करने वाला ड्रामेवास जो पर्सन होता है वो इसका राइट आंसर होगा अब देखो बिकोलिक है याद है एक वर्ड बहुत देर हो गए बिकॉलिक आए हुए बिकौलिक है अगर पर्सन तो कैसा है बहुत ही ज़्यादा जेंटल सा है पर अनोन सा है यानी हमने विकॉलिक पढ़ लिया है बिकोलिक आया था इसका सुनने भी आया था आइडलिक है ना अब जो हमारा बिकौलिक वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है बिकॉलिक वो पर्सन होता है जो अनसिविलाइज है जो बहुत अनसोफिस्टिकेटेड है जो बहुत ज़्यादा यू नो चीज़ों को मैनर्ड में मैनर्स जिसमें कमी कमी है जो की नहीं है, नहीं है, एलिगेंट नहीं है, है, की कमी है, है है है, जो है ना, नहीं है, जो जो कि नहीं 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 की ना, थोड़ा सा है, थोड़ा सा you know, की कमी है जिसमें व्यवहारिक नहीं है अच्छा पर्सन थोड़ा सा उसको कहा जाता है तो शहरी नहीं है रूरल बोलते हैं हम रूरल लोगों को ऐसे बोला जाता है रूरल है यानी ग्रामीण है यानी कि थोड़ा सा अं सिविलाइज्ड uh, है उसको बोला जाता है तो और हेल्सियन क्या होता है नया वर्ड हो सकता है क्योंकि अभी तक नहीं आया तो इज इज टू तोरीन यानी शांति होता है पीस मैंने लिख दिया है काम मैंने लिख दिया है ये वर्ड बार, बार बार आ चुके हैं राइट तो चलिए इसी के साथ ये वर्ड हमारा खत्म होता है Guys, 80 हो गए हैं वैसे तो हम लोग आगे चल सकते हैं और 366 क्वेश्चंस तक का सफर भी कर सकते हैं जो मैं इतनी देर से लगातार आपको बोले जा रही थी बट मुझे ऐसा लगता है कि 80 क्वेश्चन यानी कि थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वर्ड्स गिवन और उसके अलावा जो हमने सिलेन्स किए हर वर्ड के वो अलग तो इतने सारे शब्द हैं आज आपके पास इतने सारे वर्ड्स हो गए हैं आज, आज आपके पास और इतना अच्छे से जो मैंने इसमें हर वर्ड को आपको बताया है तो मुझे ऐसा लगता है हमें इसको यहाँ रोकना चाहिए सो so दैट आप इसको इतना ही एक बार अच्छे से रिवाइज कर सके और क्योंकि ये वीडियो स्टे एंड लर्न का है आज भले से आपने सिर्फ अपने आप को टेस्ट दे देखा होगा बट मैं आपको जरूर

देखिए दो क्वेश्चन के दो क्वेश्चन एंटनिम के दो क्वेश्चन वन वर्ड के और दो क्वेश्चन मिस स्पेल के इन सबको अगर आप कैलकुलेट करें फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर तो इतने सारे जो वर्ड्स है कम से कम बीस वर्ड एक पेपर में आते हैं और वो बीस वर्ड इन्हीं सनानियम में से तो घूमते हैं तो अगर आप इनको ही बहुत अच्छे से कर ले तो ये आपकी बहुत मदद करेंगे इसीलिए आगे ना बढ़ते हुए इस वीडियो को यहां पर देते हैं विराम ताकि कि आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ सके एनालिसिस कर सके खुद को समझ सके वर्ड्स को जान सके समझ सके तो 81 से रह गया है 81 से लेके आगे तक के सेशन को फिर से मैं लेकर आ जाऊंगी और फिर से मैं आपको करवा दूंगी इसी तरह ताकि आपके लिए भी ज्यादा ना हो और बहुत ज्यादा मगअप करने की जरूरत आपको ना पड़े तो इसी के साथ मैं यहां पे खत्म करती हूं अगर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और हाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं अगर मच फॉर सपोर्टिंग मी बींग मी एंड देखते रहिए पढ़ते रहिए और वीडियोस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज डिस्कस करिए कमेंट बॉक्स में मिलेंगे कल सुबह पैरा जम्बल के सेशन में तो पैरा जम्बल करेंगे मेंस के पूरे एक साथ तो वहां पे भी मेरे साथ रहिएगा थैंक यू वेरी मच